हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेक्चर नंबर 2। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने, मतलब पहले वाले लेक्चर, जब हमने सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट किया उसको मैं लास्ट लेक्चर बोल रहा हूँ अभी के हिसाब से। सो रीसेंट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट रोडमैप ऑफ एनडीएस से हमने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था। मैंने आपको पहला टॉपिक कवर अप करवाया था और कुछ केस स्टडीज बची हुई थी, राइट, जो कि केस स्टडीज हमें आज के क्लास में कवर अप करनी है और फिर हमें आगे बढ़ना है। बट उससे पहले एक क्विक रिवीजन, जो भी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हम उसको अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रोड मैप ऑफ इंडियस, मतलब एप्लीकेबिलिटी, मतलब हमने ये देखा था कि इंडिया में, भारत में इंडियस की एप्लीकेबिलिटी कब से लागू हुई, इंडियस को कौन कौन से कंपनीज कंप्लाई करते हैं, कौन से कंपनीज के ऊपर इंडियस अप्लाई होता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले नोटिफिकेशन डेट 16th of February 2015, ये नोटिफिकेशन डेट है। अगर आपको ये डेट नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको ईयर याद होना चाहिए कि 2015 में नोटिफिकेशन आया था इंडियस का। क्या नोटिफिकेशन आया था? कि जितने भी इंडियस हैं जो कि IFRS से कन्वर्ज्ड हैं, अब याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था IFRS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज वेल एज IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी IFRS से इंडियस को कन्वर्ज किया गया है, कन्वर्ज किया गया है, एडॉप्ट नहीं किया गया, तो जो भी कन्वर्ज्ड इंडियस हैं, लगभग 39 इंडियस हैं, दे विल बी अप्लीकेबल
इन इंडिया फॉर सम पर्टिकुलर एंटिटीज फेज वाइज, और उसके लिए कौन से रूल्स बनाए गए थे? कंपनीज इंडियन अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015। फेज वाइज कंप्लाई करवाया जाएगा। ये कंप्लायंस डिपेंड करेगा कि कंपनी लिस्टिंग है, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, और कंपनी की नेटवर्थ क्या है। मतलब इनके बेसिस पर हम इंडियस कंप्लाई करवाएंगे। क्या था फेज वाइज कंप्लायंस? फेज वन और फेज टू। फेज वन में ऑल सच कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, हुज नेटवर्थ इज 500 करोर्स और मोर, जिनकी नेटवर्थ 500 करोर या उससे ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक है, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है या 500 करोड़ टच हो गई, उनके ऊपर इंड एस अप्लीकेबल होगा। कब से अप्लीकेबल होगा? फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17 ऑन मैंडेटरी बेसिस। क्या ये कंपनीज वॉलेंट्री बेसिस पर एक साल पहले से अप्लाई कर सकते हैं? यस, 15-16 से वॉलेंट्री बेसिस पर कंप्लाई कर सकते थे। अच्छा, सिर्फ इन्हीं के ऊपर कि इनके होल्डिंग सब्सिडरी, इनके होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर कंपनी, सब पे लगेगा। चाहे उन होल्डिंग, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी, इन सब का नेटवर्थ भले 500 करोड़ से नीचे क्यों ना हो। इसका मतलब अगर मेरी नेटवर्थ 500 और मोर है तो मेरी ग्रुप कंपनीज में जितनी भी कंपनीज फॉल होती हैं, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, होल्डिंग, उन सभी के ऊपर इंड एस अप्लीकेबल हो जाएगा। नेटवर्थ कैसे देखी जाएगी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर? इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ा था हमने? फेज टू। फेज टू में कौन सी कंपनीज आएंगी? अगर आप लिस्टेड एंटिटी है जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, सिर्फ इतना बोला गया 500 करोड़ से कम है, अब कितनी भी हो चाहे नेगेटिव में हो। दूसरा, अगर आपकी अनलिस्टेड एंटिटी है जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है बट मिनिमम नेटवर्थ 250 करोड़ है, मतलब 250 करोड़ और मोर एंड लेस देन 500 करोड़, तो ये दो अलग अलग हो गई, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड के केस में लेस देन 500, अनलिस्टेड 250 और मोर बट लेस देन 500, या फिर उनके सभी होल्डिंग, होल्डिंग तो एक ही होता है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, इन सब के ऊपर इंड एस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। इन सभी एंटिटीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18, क्योंकि फेज वन में 16-17 है तो फेज टू में आ गया 17-18, ठीक है। 16-17 फेज वन, 17-18 फेज टू। क्या ये वॉलेंट्री कंप्लायंस एक साल पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं 16-17 से, ठीक है। अच्छा, क्या इनको अपने कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब लास्ट ईयर के फिगर्स भी इंड एस के अकॉर्डिंग दिखाने पड़ेंगे? यस। अब कंपैरेटिव दिखाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? इनको एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बेस्ड ऑन इंड एस। कौन सी डेट की ओपनिंग बैलेंस शीट? ट्रांजिशन डेट की। ट्रांजिशन डेट क्या होता है? ट्रांजिशन डेट मतलब, ट्रांजिशन डेट क्या होता है? ट्रांजिशन डेट मतलब प्रीवियस ईयर का बिगनिंग, प्रीवियस पीरियड का बिगनिंग। जो भी आप पीरियड प्रीवियस प्रेजेंट कर रहे हो, लास्ट ईयर का बिगनिंग विल बी द ट्रांजिशन डेट। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या बताया था? ये ट्रांजिशन डेट क्यों बताया गया? जंपिंग डेट, आप इसको बोल सकते हो जंपिंग डेट। मतलब ट्रांजिशन डेट पर जो भी बैलेंस शीट आपकी बनी गई होगी, ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी, फिर से आपको एक अनऑडिटेड बैलेंस शीट बनानी है, उसको कन्वर्ट कर, ऑडिटेड बैलेंस शीट जो एएस के हिसाब से, उसको कन्वर्ट करना है इंड एएस के हिसाब से, और जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो ओपनिंग उसी दिन के रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाएगा, इक्विटी में चला जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब अदर इक्विटी, अभी आपको ग्रेजुअली मालूम पड़ता जाएगा। टर्मिनोलॉजी भी आपको थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अलग अलग चीजें हैं शेड्यूल थ्री जब हम पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिशन डेट पे हमें ये करना है,
जंपिंग करना है, चाहे आप फेज वन में आ रहे हो, चाहे फेज टू में आ रहे हो, चाहे कभी भी आ रहे हो। आप फर्स्ट टाइम जब इंडेक्स अडॉप्ट करोगे, आपको ट्रांजिशन डेट पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग पेंडल नहीं, क्योंकि पेंडल कभी ओपनिंग नहीं होता, पेंडल फॉर द ईयर होता है। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, हटके बता रहा हूँ, आईएफआरएस में वर्ड बैलेंस शीट यूज नहीं किया हुआ। आपको अजीब लगेगा, सर बैलेंस शीट यूज नहीं किया मतलब? अरे बैलेंस शीट बनती है, ऐसा नहीं कि यूके में, यूरोपियन कंट्रीज में बैलेंस शीट नहीं बनती, बट वहां पर वर्ड, दे डोंट यूज द वर्ड बैलेंस शीट, दे यूज द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। यस, दे डोंट नो वॉट इज बैलेंस शीट। अगर आप वहां पर जाके बोलोगे ना मुझे बैलेंस शीट दो, दे विल थिंक फर्स्ट वॉट यू आर आस्किंग फॉर, सो दे विल यूज द वर्ड, दे आर यूजिंग द वर्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर जल्दबाजी में बोल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली में कंपनीज में जब हम बनाते हैं शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड वॉट दे यूज द वर्ड इन आईएफआरएस में वर्ड यूज किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, एंड वी यूज द वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। टेक्निकली प्रॉफिट और लॉस इज द बेटर, प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट द वे, पर ठीक है, ठीक है, ये पर कोई इससे ज्यादा कोई इम्पैक्ट हमारे रिकग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स पे नहीं आता। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नेटवर्थ की बात चल रही है 500 crores और मोर और 250 crores और मोर बट लेस देन 500, ये नेटवर्थ कहाँ से लिया गया? ये नेटवर्थ का डेफिनेशन लिया गया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 के क्लॉज 57 से। क्या सर हमें ये क्लॉज 2 सेक्शन 2 क्लॉज 57 ये याद रखने की जरूरत है? मुझे लगता है एफआर में आपको कोई भी जरूरत नहीं है, सेक्शन से याद रखने की जरूरत आपको एफआर में नहीं पड़ेगी। इवन जो इंडेस के पैराग्राफ नंबर होते हैं, इंडेस में कभी सेक्शन नहीं होते, इंडेस में होता है पैरा 47, पैरा 48, पैरा 14, पैरा 13, तो इंडेस में आपको पैरा नंबर याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस मैं स्पेसिफिकली कोई पर्टिकुलर पैरा आपको ना बोलूं। ठीक है, नेटवर्थ में क्या क्या आता है? पेड अप शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों आएंगे, प्लस फ्री रिजर्व्स, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। फ्री रिजर्व्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आएगा, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना, या डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स एक्सक्लूडिंग रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन। इसके अलावा दो बातें मैंने आपको बताई थी कि ईसॉप का रिजर्व अगर आपके पास पड़ा हुआ है, और अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है विच इज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, तो ये दोनों भी आप नेटवर्थ में ऐड करोगे ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंड एस एप्लीकेबिलिटी। एक्चुअली में सेक्शन 2 क्लॉज 57 में नेटवर्थ की डेफिनेशन में ईसॉप रिजर्व और कैपिटल रिजर्व नहीं आता, बट इंड एस एप्लीकेबिलिटी के लिए जो ITFG क्लैरिफिकेशंस मैंने आपके पास आपसे बात की थी उसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि आप ईसॉप रिजर्व और कैपिटल रिजर्व फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट भी लेंगे। ठीक है सर, नेटवर्थ किस दिन की चेक करनी है? नेटवर्थ सर कब की चेक होगी? सर नेटवर्थ चेक की जाएगी, याद रखिएगा, नेटवर्थ चेक की जाएगी 31st March 2014 की। कब की चेक की जाएगी? 31st March 2014 की नेटवर्थ चेक की जाएगी फॉर फेज वन एंड फेज टू। टेक्निकली पहले तो फेज वन आएगा। अब फेज वन शुरू कब से हो रहा है? 16-17 से मैंडेटरी हो रहा है, तो 16-17 से पहले पहले जितनी भी बैलेंस शीट्स आपकी बन रही हैं, अगर 31st March 2014 की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, जो कि ऑब्वियसली AS की अकॉर्डिंग होगी, अगर उसके अकॉर्डिंग आपका नेटवर्थ थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं भी कर रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 500 क्रोर्स को क्रॉस नहीं भी कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको अगली बैलेंस शीट जो भी आपके 16-17 से पहले की बैलेंस शीट आएंगी उसमें आपको चेक करना है कि 500 क्रोर्स और मोर है कि नहीं। आपको याद होगा एक केस मैंने आपको करवाया था, केस नंबर वन ही मैंने आपको करवाया था, उसमें यही था कि 31st March 2014 में नेटवर्थ नहीं था हमारा, 31st March 2015 में भी हमारा नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे ही था, पर हमें लगता है कि अगले साल मतलब 31st March 2016 तक हमारे नेटवर्थ 500 क्रॉस हो जाएगी, तो हमने बोला था कि अगर लगता है तो बेस्ड ऑन दैट आप फेज वन में आ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
अगर कोई कंपनी 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करती थी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करती थी तो जब भी वो इनकॉर्पोरेट हुई उसके बाद जो भी वो फर्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी या उसके अगले वाले बनाएंगी उसके हिसाब से वो चेक करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर इंड एस किसी पर्टिकुलर एंटिटी पे अप्लाई होते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्थ एंड लिस्टिंग एंड नॉन लिस्टिंग, तो उस एंटिटी को अपने स्टैंड अलोन मतलब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों के दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंड एस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इंड एस एक एंटिटी के ऊपर अप्लाई होता है तो वो एंटिटी की अगर कोई ओवरसीज सब्सिडरी है मतलब फॉरेन सब्सिडरी है तो फॉरेन सब्सिडरी को जब वो मर्ज करेगी कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो इंडेस अप्लाई करेगी, बट ओवरसीज सब्सिडरी के ऊपर ऐसे केस में इंडेस नहीं लगेगा, ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि ओवरसीज सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी अपने ज्यूरिसडिक्शन में जो भी उसके स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल होंगे वो लगाएगा, ठीक है। बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज एनबीएफसीज ऑल इंडियन क्या बोलते हैं ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, इन सब के ऊपर का क्या स्कोप है? सबसे पहले मैंने आपको अदर देन बैंक्स इंश्योरेंस वाली बात की थी, तो 16, 17, 17, 18 दीज आर द टू डिफरेंट फेसेस, फेज वन फेज टू, 16, 17, 17, 18। देखो 16, 17 हो गया, 17, 18 हो गया, अब 18, 19 किसके किसके लिए? ऑल इंडिया टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, SIDBI, इन सब के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स, 18, 19। और 18, 19 में NBFCs चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर है, ये सब 18, 19 में आएंगे। देन 19, 20 में कौन आएगा? NBFCs जो लिस्टेड है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है या अनलिस्टेड है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है बट 250 करोड़ और मोर होनी चाहिए, वो आ जाएंगी 19, 20। फिर 20, 21 स्किप कर दो, फिर आ जाएगा 21, 22। क्या आ जाएगा? 21, 22। यहां से कौन आएगा? इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना। एज फार एज बैंकिंग कंपनीज आर कंसर्न तो RRBs को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इंड एस, ठीक है ना, RRBs को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अदर देन RRBs बैंकिंग कंपनीज के ऊपर इंड एस कब कंप्लाई होगा? अभी कोई डेट नहीं बताई गई, RBI ने नोटिस अभी जब नोटिफिकेशन दिया था मार्च 2019 में है ना, तब बोल दिया था कि हम उसको डिफर कर देते हैं फर्दर नोटिस के लिए, डिफर टिल फर्दर नोटिस बाय RBI। तो बैंक के ऊपर अभी इंड एस अप्लीकेबल नहीं है। आप समझते हो हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे मेजर पार्ट दैट इज बैंकिंग सेक्टर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर को भी अलग अलग डिवाइड करें तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर कहते हैं कि किसी भी अगर कंट्री का बैंकिंग सेक्टर खराब है तो इसका मतलब उसकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। यहां पर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर इंड एस अप्लाई नहीं करवाया जा रहा है। अब उसके रीजन से मैंने आपको बताया बीच में बैंक्स के मर्जर्स वगैरह हुए थे, ठीक है ना, तो कुछ रीजन्स की वजह से अभी फिलहाल फर्दर उसको बढ़ा दिया गया। अब तो COVID-19 आ गया तो उसको मुझे लगता है और फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब आई पर्सनली बिलीव कि आने वाले 1.5-2 साल तक तो मुझे नहीं लगता है कि इंड एस बैंक्स के ऊपर अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात हमने कही थी कि कंपनीज और एंटिटीज विच आर लिस्टेड ऑन SME एक्सचेंज उनके ऊपर भी इंड एस अप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। केस स्टडी वन हमने कर लिया था, अब आइए बच्चों केस स्टडी नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। केस स्टडी नंबर टू केस स्टडी नंबर 2 की बात करते हैं, ITFG क्लैरिफिकेशन बुलेटिन 1 इशू 2। मतलब जो ये ITFG के क्लैरिफिकेशन होते हैं उसको डिफरेंट अलग 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 बुलेटिन के हिसाब से निकाले जाते हैं। मैं आपको ना आज ही की क्लास में कोशिश करूंगा, अगर मेरा इंटरनेट चल रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये ITFG क्लैरिफिकेशन कहां से ले सकते हो, या फिर अगली क्लास में दिखाऊंगा क्योंकि मेरा आज इंटरनेट नहीं चल रहा। चलिए, क्या है भाई? कंपनी ए इज अ लिस्टेड कंपनी एंड हैज 3 सब्सिडरीज XYZ। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी 3 सब्सिडरीज है XYZ। एज ऑन 31st मार्च 14 नेटवर्थ ऑफ ए इज 600 करोड़। वाह,
अगर 31 मार्च 2014 को एक ही नेटवर्क 600 करोड़ थी, तो अब आगे चल के भले गिर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखिएगा। हो सकता है आपके शायद मन में सवाल आया हो कि 31 मार्च 2014 के बाद सर अगर नेटवर्क गिर जाए तो, और 31 मार्च 2014 पे नेटवर्क 500 से ऊपर थी और बाद में गिर जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 31 मार्च 2014 की नेटवर्क आपको देखनी पड़ेगी फिर। अब अगर 600 थी तो इसका मतलब ए लिमिटेड के ऊपर क्या अप्लाई हो गया? इंडेस। और ए की सब्सिडरी के ऊपर क्या अप्लाई हो गया? इंडेस। नेटवर्थ ऑफ एक्स इज 100 करोड़, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता। वाई का 400 करोड़, फर्क नहीं पड़ता। जेड का 210 करोड़, फर्क फिलहाल तो नहीं पड़ता। ऑल द थ्री सब्सिडरीज आर नॉन लिस्टेड पब्लिक कंपनीज, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर, मेरे ऊपर अगर इंडेस लग रहा है, मेरी सब्सिडरी क्या है, लिस्टेड है अनलिस्टेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब देखिए केसेस में क्या क्या बोला। सब केस ए, ये मेन था, अब यहां से शुरू हो रहा है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 14-15, मतलब 31 मार्च 2014 को हमारी नेटवर्क 600 करोड़ थी। कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स इंटायर इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एक्स ऑन 31 दिसंबर 2014। Therefore, company X is no longer a subsidiary of A for the purpose of preparation of financial statement as on 31st March 15. Should company X prepare its financial statements as per the company's Indian Accounting Standard Rule 6 or Indian Accounting Standard Rules 2015? ये बोल रहा है कि भाई March 14 को ए लिमिटेड का जो नेटवर्थ था वो 600 करोड़ था, ठीक है। और करंट ईयर में कहीं पर हमने सब्सिडरी एक्स सोल्ड, हमने सब्सिडरी एक्स को हटा दिया। इसका मतलब एज ऑन 31st मार्च 2015 हमारी वो सब्सिडरी नहीं है। बच्चों इंड एस की अप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी वाली कब से होती है? आप जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 से होती है। अब आपको याद क्या रखना है? अच्छा ये मैं आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल केस बता रहा हूं, ये ITFG क्लैरिफिकेशन से लिया गया है। मतलब ये इशू क्रिएट हुआ था, एक्चुअली इंस्टीट्यूट के सामने आया था, तो इंस्टीट्यूट ने इस पर क्या क्लैरिफिकेशन दिया। इंस्टीट्यूट ने बोला कि टेक्निकली 31st मार्च 2014 की नेटवर्थ जिस दिन देखी जाएगी, जिस दिन देखी जाती है, उस दिन तो एक्स कंपनी हमारी सब्सिडरी थी, पर हमने अपनी सब्सिडरी को अगर इस पीरियड से पहले बेच दिया, कौन से पीरियड से पहले? 16-17, जब से एक्चुअली इंड एस अप्लीकेबल करवाया जाता है उससे पहले बेच दिया। इसका मतलब एज ऑन 1st अप्रैल 2016 वेदर एक्स is a subsidiary of A Limited? The answer is no. क्या 1 अप्रैल 2016, मतलब जब से Ind AS actually applicable होगा? Yes, net worth check की जाती है 31st मार्च 2014 की, पर Ind AS applicable कब से होता है? Mandatory basis पर, 1 अप्रैल 2016 से लेकर होता है। क्या उस दिन, मतलब जो मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ इंडेस है, क्या उसके पहले दिन पे मेरी वो सब्सिडरी थी कि नहीं थी? नहीं। जिस साल मुझे इंडेस अप्लाई करना है उस साल के एक भी दिन क्या वो मेरी सब्सिडरी थी? द आंसर इज नो। एंड हेंस कंपनी एक्स, क्योंकि मेरी सब्सिडरी नहीं है इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17 इवन फॉर अ सिंगल डे, कंपनी एक्स के ऊपर, मतलब वो जो सब्सिडरी है एक्स, उसके ऊपर इंड एस के कंप्लायंसेस नहीं आएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है
कि जो फर्स्ट इंडियस फाइनेंशियल ईयर होगा, जो भी फर्स्ट ईयर इंडियस फाइनेंशियल ईयर होगा, क्या उस ईयर में एक दिन के लिए भी मेरी वो सब्सिडरी है या वो मेरी एसोसिएट है या वो मेरी ज्वाइंट वेंचर है या होल्डिंग है, अगर एक दिन के लिए भी है तो उसके ऊपर इंडियस लग जाएगा। पर अगर वो मेरे लिए एक दिन के लिए भी मेरी वो सब्सिडरी नहीं थी तो मतलब इंडियस नहीं लगेगा। और अगर इंडियस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? एएस। इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा? कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। फिर से बोलूं, व्हाट यू हैव टू चेक, वी हैव टू चेक द फर्स्ट इंडियस फाइनेंशियल ईयर। इन दैट फर्स्ट इंडियस फाइनेंशियल ईयर इज देयर अ सब्सिडरी इवन फॉर अ सिंगल डे? द आंसर इज नो। The company acts was not the subsidiary even for a single day in the financial year 16-17. Hence, company acts will not follow Indian Accounting Standard Rules 2015. ठीक है? ये था तुम्हारा सब केस ए। अब आ जाओ सब केस बी पे आते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, ऊपर था 14-15, कंपनी ए हैज सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन कंपनी वाई। तीन सब्सिडरीज थी ना, एक्स वाई जेड। वाई को भी हमने बेच दिया 31 दिसंबर 2015 में। आइए सब्सिडरी वाई सोल्ड, तो मुझे बताइए सेम As on 1/4/16, whether Y is a subsidiary of A Limited? The answer is no. तो ये क्या लगाएगा? AS Rules 2006। ये भी क्या लगाएगा? एएस रूल्स 2006। समझ आया? क्लियर बेटा? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, अच्छा क्या मैं बता दूं, देयरफॉर कंपनी वाई इज नॉट लोन नो लॉन्गर अ सब्सिडरी ऑफ ए फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शुड कंपनी वाई प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर रूल्स 6 और रूल्स 15। मैंने आपको आंसर दे दिया। सी वाला देखिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 16-17 कंपनी ए सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन जेड ऑन 31 मार्च 2016। ध्यान से देखिए, हमने अपना सब्सिडरी को सेल ऑफ किया, सब्सिडरी जेड सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 16। ओहो, इसका मतलब क्या 1/4/16 पे वो मेरी कंपनी, वो जो जेड कंपनी है वो मेरी सब्सिडरी थी? द आंसर इज यस। अगर 16-17 मतलब फर्स्ट इंडियस फाइनेंशियल ईयर में एक दिन के लिए भी मेरी कोई सब्सिडरी है, उसके ऊपर इंडियस फॉलो हो जाएगा। भले मैंने करंट ईयर में उसके शेयर्स बेच दिए, अगले साल से वो इंडिविजुअली भी इंडियस लगाएगी। तो मैं बोलूंगा, सिंस जेड वॉज सब्सिडरी इन द फर्स्ट इंडियस फाइनेंशियल ईयर दैट इज 16-17, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड इन द सेम ईयर, still Ind AS rules 2006
2015 will be applicable, क्योंकि वो एक दिन भी थी. ठीक है, आंसर देखिए, केस ए एंड बी नो इंडेस बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरीज एक्स वाई, केस सी सब्सिडरी जेड हैज टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंडेस. सब्सिडरी जेड जो थी वो टेक्निकली अब सब्सिडरी नहीं है, बट उसको अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा इंडेस के हिसाब से बनाने पड़ेंगे. ऑलवेज. ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो. केस टू नोट कर लीजिए. ओके, केस टू हो गया. केस थ्री, केस थ्री कहां से लिया गया है? आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन बुलेटिन टू, इशू टू. बुलेटिन टू मतलब, बुलेटिन मतलब जब पहली बार क्लेरिफिकेशंस निकाले गए कुछ इश्यूज को लेकर निकल गए, फिर जब दूसरी बार फिर से क्लेरिफिकेशन निकाले गए. मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये एक बुक है आपको, आई डोंट नो ये बुक अच्छा ग्रीन कलर है तो थोड़ा सा नहीं दिखेगा, मेरी शर्ट के पीछे दिखेगा. दिख रहा है? हाँ, थोड़ा बुक दिख रहा होगा आपको. ये एक बुक है बेसिकली, हालांकि लगभग एक डेढ़ साल पुरानी बुक है. ये बुक क्या है? ये आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन वाली ही बुक है. ठीक है ना, ये आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन वाली बुक ही है. इसमें इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी आईटीएफजी क्लेरिफिकेशन दिए इंडियस के ऊपर, उसकी इन्होंने एक सेपरेट बुक निकाली है जो मैंने परचेज की थी, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी. हालांकि बहुत सस्ती बुक है, 150 रुपये की है, तो और वो भी हार्ड कॉपी 150 रुपये की. अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो उसका कोई कॉस्ट नहीं है, आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाइए, आप डाउनलोड करिए, आपको मिल जाएंगे बुलेटिन. ठीक है, तो हालांकि ये एक डेढ़ दो साल पुरानी होनी चाहिए मेरे हिसाब से. यस, ये दो साल पुरानी है, 2018 की है. ठीक है ना, उसके बाद और एक्स्ट्रा क्लेरिफिकेशन आए हैं जिसके लिए मैंने बुक ना लेकर मैंने उसको डाउनलोड कर लिया बाकी के बुलेटिन. तो इस बुक में क्या है, इस बुक में टॉपिक बाय टॉपिक क्लेरिफिकेशन दिए गए हैं कि इस टॉपिक पे कितने आज तक क्लेरिफिकेशन आ चुके हैं. ऐसा ऑब्वियसली, पर ये क्लेरिफिकेशन आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेस. Not a part of India's, मतलब ये India's के major main paragraph के part नहीं होते, ये outside clarifications हैं. सर ये clarifications कौन मांगता है? Clarification generally जो companies होती हैं, जो entities होती हैं, वो मांगती हैं. आइए third case देखते हैं. Company X limited and company Y limited registered in India having net worth of 600 and 100 crores respectively are the subsidiaries of a foreign company that is ABC Incorporation. Oh my God. मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, ये
इंडियन कंपनी विच इज अ सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर अदर सिमिलर एंटिटीज ऑफ अ फॉरेन कंपनी, अगर फॉरेन में हमारा होल्डिंग है और हम इंडिया में, शेल प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद इंडियाज ईदर वॉलेंट्री मैंडेटरी इफ इट मीट्स द क्राइटेरिया। तो कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों के दोनों इंडिया में हैं, इंडियन कंपनीज हैं, दोनों की इंडिविजुअल नेटवर्थ 600 और 100 है। एबीसी इनकॉर्पोरेशन उनका होल्डिंग है फॉरेन कंपनी विच हैज अ नेटवर्थ ऑफ मोर देन 500 क्रोर्स इन द फाइनेंशियल 15-16। आई बात समझ में? वेदर कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियाज फ्रॉम फाइनेंशियल 16-17 ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन नेटवर्क। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेरेंट के ऊपर तो इंडेस नहीं लगेगा, ये बात तो फैक्ट है क्योंकि पेरेंट कंपनी तो फॉरेन कंपनी है, पर जो दो कंपनीज हैं एक्स और वाई ये तो इंडियन कंपनीज है, एक की नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है और दूसरे की नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे है, तो और अच्छा होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, तो जब हम कंपनी एक्स और कंपनी वाई दोनों के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी लगाएंगे रोडमैप का फेज वन फेज टू, तो नेटवर्थ किसकी चेक की जाएगी, इनके पेरेंट कंपनी की कि इनकी इंडिविजुअल? याद रखिएगा अगर आपका पेरेंट कंपनी इंडिया में है तो ही आपके पेरेंट कंपनी की नेटवर्थ आपके इंडेस के कंप्लायंस के लिए लगाई जाएगी, बट अगर आपका पेरेंट कंपनी फॉरेन में है तो फॉरेन वाला जो पेरेंट कंपनी है उसकी नेटवर्थ नहीं देखी जाएगी सब्सिडरी के इंडेस एप्लीकेबिलिटी के लिए, ऐसे केस में सब्सिडरी की खुद की इंडिविजुअल नेटवर्थ देखी जाएगी। तो यहां पर जो मैंने पॉइंट पढ़वाया था यहां पर आगे लिख लीजिएगा, बेस्ड ऑन द नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी के इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से नेटवर्थ चेक की जाएगी क्योंकि फॉरेन कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है वो फॉरेन में है। अब अगर इस केस को ध्यान रखें तो कंपनी एक्स की इंडिविजुअल नेटवर्थ कितनी है 600, तो इसके ऊपर इंडेक्स लगेगा, पर कंपनी वाई की इंडिविजुअल नेटवर्थ कितनी है 100, भले उसकी होल्डिंग कंपनी की नेटवर्थ 500 से ज्यादा है क्योंकि होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी है तो उसकी नेटवर्थ नहीं देखी जाएगी, सब्सिडरी एक्स सब्सिडरी कंपनी वाई की देखी जाएगी और वाई की नेटवर्थ 100 है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग दिमाग चलाएंगे अलग टाइप का, बिल्कुल अलग टाइप का, कि सर देखो एक सब्सिडरी की नेटवर्थ ज्यादा है ना तो सर दूसरी सब्सिडरी के ऊपर भी अपने आप लग जाएगा इंडेक्स, ऐसा नहीं होगा। मुझे या तो अपनी होल्डिंग कंपनी की नेटवर्क देखनी है प्रोवाइडेड मेरी होल्डिंग कंपनी फॉरेन में नहीं है इंडिया में, या तो फिर मुझे अपनी नेटवर्क देखनी है, मुझे को सब्सिडरी की नेटवर्थ नहीं देखनी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी कोई जो मतलब मैं भी सब्सिडरी हूं वो भी सब्सिडरी है एक होल्डिंग का, को सब्सिडरी जो है दूसरी वाली उसकी नेटवर्थ बढ़ रही है, मेरी नेटवर्थ भले नहीं बढ़ रही उसके ऊपर इंडेक्स लग रहा तो मेरे ऊपर भी लगेगा, दिस इज नॉट द बेसिस, याद रखिएगा। अगर ऐसा होता तो कंपनी वाई के ऊपर अप्लाई होता, क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंपनी वाई के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडेस, एक्स विल फॉलो इंडेस, वाई विल नॉट फॉलो इंडेस, बट फॉरेन कंपनीज नेटवर्थ वुड नॉट बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, दिस इज केस 3, केस 2, केस 1। पिछले एडिशन तक, मेरी बुक के पिछले एडिशन तक मैं सिर्फ ये 3 केसेस डिस्कस करता था, रिसेंटली मैंने कुछ केसेस को और इंक्रीज किया है। आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन बुलेटिन 12 इशू 6,
अब बुलेटिन 2 था और बुलेटिन 1 था, अब बुलेटिन 12 पे आ गए, ठीक है। क्या कह रहा है, एबीसी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएस विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, हैज एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया विद द परमिशन ऑफ आरबीआई टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन इंडिया। द ब्रांच ऑफिस रेमिट्स द अमाउंट अर्नड बाय इट टू एबीसी एंड कंपनी दैट इज हेड ऑफिस नेट ऑफ एप्लीकेबल इंडियन टैक्सेस एंड सब्जेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस। As on April 1, 16, it has more than 500 crore balance as head office account. Whether the Indian branch office of ABC will be required to comply with the Ind AS? ये आया कि ABC and company एक foreign company है, ठीक है, US। इसकी एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, बेटा याद रखना, वो बोल रहा है ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, मैं लिख देता हूं, नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, सिर्फ ब्रांच ऑफिस है, ठीक है ना। और इस ब्रांच की अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, सर ब्रांच की बैलेंस शीट होती है क्या? बिल्कुल होती है बेटा, इंटरमीडिएट में ब्रांच का एक चैप्टर था। ब्रांच की बैलेंस शीट में हेड ऑफिस का जो अकाउंट है उसका बैलेंस 500 करोड़ से ज्यादा है, हेड ऑफिस का अकाउंट 500 करोड़ से ज्यादा है। क्या हेड ऑफिस के अकाउंट को नेटवर्थ माना जाएगा? द आंसर इज नो, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्रांच ऑफिस है वो सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड है? द आंसर इज नो। तो ब्रांच ऑफिस अगर सब्सिडरी कंपनी होती, मतलब वो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 होती, तो बात अलग थी, तो उसमें उसकी नेटवर्थ चेक की जाती। यहां तो ब्रांच ऑफिस कोई कंपनी है ही नहीं, सिर्फ ब्रांच है, अंडरस्टूड ना, ब्रांच को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, कंपनीज एक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। जब ऐसी कोई एंटिटी जो कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं है, जैसे पार्टनरशिप फर्म्स, प्रोपराइटरशिप फर्म्स, उनके ऊपर इंडियस क्यों लगेगा? उनके ऊपर इंडियस लगेगा ही नहीं, टेक्निकली इंडियस इसके ऊपर नहीं लगेगा दो कारणों से। पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ब्रांच ऑफिस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट इन इंडिया। दूसरा, इट हैज अ हेड ऑफिस अकाउंट विच हैज अ बैलेंस ऑफ मोर देन 500 क्रोर्स, इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ नेटवर्थ, अंडरस्टूड और नॉट? क्या बोल रहा है, ब्रांच ऑफिस ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर रूल 6 since branch is not incorporated under companies act, therefore branch office of abc is not required to comply with Ind AS. ab ye bhi kisi ne pucha hoga, clarification isliye diya gaya iske upar, theek hai। case 5 bulletin 11 issue 7 itfg clarification bulletin 11 issue 7। A Limited is a first time adopter of Ind AS. A Limited पहली बार Ind AS लगा रहा है अपने financial statement में। It has incorporated a partnership firm. इसने एक partnership firm बनाई with B Limited, namely Majors A and B Associate. देखो साहब, ऐसा है कि A Limited ये आपका Ind AS लग रहा है इसके ऊपर, और एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है मेजर्स ए एंड बी, आप याद, आपको पता है ना कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो नेचुरल पर्सन या फिर वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, तो इसके दो पार्टनर्स हैं,
ए लिमिटेड इज अ पार्टनर बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इंडियस इज एप्लीकेबल टू ए, सॉरी पूरा नहीं पढ़ा हमने, वेदर इंडियस विल बी एप्लीकेबल टू मेजर्स ए बी एसोसिएट बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट इंडियस इज एप्लीकेबल टू ए लिमिटेड. क्या इंडियस क्योंकि ए लिमिटेड के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो क्या वो ए एंड बी एसोसिएट के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ए एंड बी एसोसिएट में ए जो है, ए लिमिटेड जो है वो पार्टनर है और ए लिमिटेड के ऊपर इंडियस लग रहा है. क्या पार्टनरशिप फर्म, वही सेम आंसर, क्या पार्टनरशिप फर्म इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेटेड होता है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, इसीलिए उसके ऊपर इंडियस नहीं लगेगा. इंडियस is not applicable to the partnership entity as it is not incorporated under the act. However, partnership firm will be required to provide financial statements for the purpose of consolidation. Partnership firm के ऊपर इंडियस तो नहीं लगेगा इंडिविजुअली, पर partnership अपनी जो भी बैलेंस शीट पीएनएल बनाएगी उसको वो किसको देगी? ए लिमिटेड को, कंसोलिडेशन करने के लिए. ए लिमिटेड जब कंसोलिडेशन करेगा तो कंसोलिडेशन पर्पज के लिए वो इंडियस फॉलो कर लेगा. ठीक है, केस 5. आई होप आपको बल्कि एक क्लैरिटी हो रही होगी कि चलो ठीक है यार, समझ में आ रहा है कि हाँ यार किसके ऊपर इंडियस अप्लीकेबल होगा किसके ऊपर नहीं होगा. केस 6, आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन बुलेटिन 6 इशू 2. कंपनी एक्स लिमिटेड इज बीइंग कवर्ड अंडर फेस 1 ऑफ इंडियस, ठीक है, नीड्स टू अप्लाई इंडियस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17, ठीक है. कंपनी वाई विच इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी एक्स is a charitable organization and registered under section 8 of the companies act 2013. I hope aapne padha ho ki companies act 2013 mein ek section 8 hota hai, bahut hi common section hai, usko naam hi bola gaya section 8 companies. section 8 mein jo bhi companies registered hoti hai wo non, wo charitable organizations hoti hai, jaise non profit organizations bolte na npos, charitable organizations wagera, wo jaise maan lijiye tirupati balaji. अब तिरुपति बालाजी हो सकता है, अगर मान लीजिए उनका एक सपोज ट्रस्ट बनाया गया होगा और मान लो अगर उसको कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड किया गया होगा तो वो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड होता है. ठीक है, कई सारे हॉस्पिटल्स को सेक्शन 8 में रजिस्टर किया जाता है, वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स अगर होते हैं तो भी. तो सेक्शन 8 कंपनी है, फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, उसके ऊपर इंडेक्स लग रहा है. पर जो कंपनी वाई है, वाई लिमिटेड, वो एक एसोसिएट कंपनी है कंपनी एक्स की और वो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 है. वेदर वाई इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 16-17. अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर इंडियस अप्लाई होता है तो उसके सारे एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरीज होल्डिंग के ऊपर भी अप्लाई होगा. क्या मैंने आपको उसमें ये एक्सेप्शन बोला क्या कहीं पर कि नहीं 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 उसमें ना चैरिटेबल ट्रस्ट वाली मतलब सेक्शन 8 वाली के ऊपर नहीं होगा? मैंने आपको एक्सेप्शन में क्या क्या बताया था, ये मैंने आपको एक्सेप्शन लिस्ट में ये चार कंपनीज बताई थी. बैंक के ऊपर नहीं लगेगा, अनलिस्टेड कंपनीज लेस देन 250 करोड़ का टर्नओवर, ये 250 है, लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज वो कंपनीज, और आरआरबी, इसके इन चारों के ऊपर नहीं लिखेगा. यहां पर कहीं पर भी सेक्शन 8 है क्या? नहीं. तो सेक्शन 8 कंपनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएट है ना, इंडेक्स लगेगा. सेक्शन 8 कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 13, देयरफॉर वाई कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेक्स फ्रॉम द फाइनेंशियल 16-17. सेक्शन 8 कंपनीज भी तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट होती है. लास्ट केस, केस नंबर 7, आईटीएफजी क्लैरिफिकेशन बुलेटिन 3 इशू 8. एज ऑन 31st March 2014, कंपनी ए इज अ लिस्टेड कंपनी, हैज अ नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़. ओ हो, एज ऑन 31st March 2015 कंपनी इज नो मोर अ लिस्टेड. वेदर कंपनी ए इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इंडियस फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 17-18 बोल रहा है, 17-18 बोल रहा है, जल्दी बोलो. 31st March 2014 को
31 मार्च 2014 को कंपनी ए वॉज लिस्टेड 31 मार्च 2015 को इट बिकम्स अनलिस्टेड। अब ये सवाल क्यों पैदा होता है? पैदा इसलिए होता है क्योंकि फेज टू कहता है, जो कि 17-18 से लगता है, वो कहता है ऑल लिस्टेड हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 इनको लगाना पड़ेगा। तो ये 17-18 में तो ये अनलिस्टेड होगी क्योंकि ये तो अनलिस्टेड बन चुकी है 31 मार्च 2015 से लेकर, पर 31 मार्च 2014 में जब नेटवर्थ देखी जाती है उस दिन तो ये लिस्टेड थी। याद रखना बच्चों, ये जो डेट है 31 मार्च 2014 सॉरी 31 मार्च 2014 की डेट सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ चेक करने के लिए बताई गई है, बाकी और चीजें चेक करने के लिए नहीं। आप लिस्टेड हो कि अनलिस्टेड हो, आपकी कोई सब्सिडरी है कि नहीं, एसोसिएट है कि नहीं, ये आपको फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल ईयर पे ही चेक करना है। तो यहां पर जैसा कि हम बोल रहे हैं कि 17-18 में तुम लिस्टेड थे क्या? नहीं ना, बात खत्म, तुम्हारे ऊपर इंड एस नहीं लगेगा। द डेट ऑफ 31 मार्च 2014 इज ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग नेटवर्थ, नो अदर थिंग। दैट मीन्स 31 मार्च 2014 को मेरी सब्सिडरी थी, बाद में चल के वो सब्सिडरी खत्म हो गई। खत्म हो गई ना, फेज वन के फाइनेंशियल ईयर या फेज टू के फाइनेंशियल ईयर पर वो मेरी सब्सिडरी थी क्या? नहीं ना, उसके ऊपर नहीं लगेगा इंडेक्स। हमने केस टू देखा था, फेज वन के फाइनेंशियल ईयर या फेज टू के फाइनेंशियल ईयर पर मैं लिस्टेड था क्या? नहीं ना, मैं अनलिस्टेड था ना, और मेरी नेटवर्क 250 से नीचे है ना, मेरे ऊपर इंडेक्स नहीं लगेगा। भले मैं 31 मार्च 2014 को लिस्टेड था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिस्टिंग हो कि नहीं हो, ये मुझे फर्स्ट इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर में देखना पड़ेगा, 31 मार्च 2014 को नहीं देखना पड़ेगा। बिफोर द मैंडेटरी एप्लीकेबल डेट कंपनी सीजेस टू बी लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेक्स। इसको इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो लिस्टिंग स्टेटस शैल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल ईयर। सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी स्टेटस शैल बी चेक्ड ओनली इन द फर्स्ट इंड एस फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, तो ये दोनों होगा। क्लियर बेटा, इसको एक बार नोट कर लिएगा। विद दिस हम पहला टॉपिक अपना कवर अप कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पहले टॉपिक में क्या क्या चीज़ें थी? एप्लीकेबिलिटी एंड फेज वाइज कंप्लायंस, एप्लीकेबिलिटी फॉर बैंक्स, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, और इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज। ये हमने पूरा का पूरा कवर अप कर लिया। डन, टॉपिक नंबर वन डन, बिल्कुल डन।
ये टॉपिक नंबर वन, क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है? रेयर चांसेस है। आज तक तो ऐसा सच नहीं पूछा गया, किसी और क्वेश्चन में मिला मुलू के कुछ एक आध पॉइंट डाल दे तो अलग बात है, अदरवाइज स्पेसिफिकली इसका क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया और आने के चांसेस भी कम है। तो सर क्यों पढ़ाया? नॉलेज। मैं हमेशा कहता हूं, मेरे रेगुलर कोर्स और मेरे फास्ट ट्रैक कोर्स में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो इसी चीज का होता है कि मैं अपने रेगुलर कोर्स में बेसिकली ज्यादा समय इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे आपको ना सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना है, मुझे आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ऑफकोर्स फास्ट ट्रैक बैच से ज्यादा होते ही है, बट एक जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहां पे रेगुलर कोर्स में मैं आपके साथ खुल के बातें कर सकता हूँ, खुल के चीजों को डिस्कस कर सकता हूँ। फास्ट ट्रैक में एक लिमिटेशन आ जाता है कि नहीं यार थोड़ा जल्दी चलो, फास्ट चलो, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो दिस वॉज रोड मैप। ऐसा मत सोचना कि फास्ट ट्रैक में सर बाकी फर्क नहीं होता तो हम फास्ट ट्रैक ही परचेज कर लेते। फास्ट ट्रैक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं कम करवाता हूँ। फास्ट ट्रैक बैच यूं समझो कि रेगुलर कोर्स की जस्ट 50% क्लासेस होती हैं। अगर मैं रेगुलर कोर्स में 80 क्लासेस ले रहा हूं तो फास्ट ट्रैक में मैं 40 क्लासेस में कवर अप करवा लेता हूं। ठीक है, चलो। सो गाइस, दिस वॉज योर रोड मैप। एक बार अगर आपने नहीं लिखा था वो पॉइंट्स, आपकी बुक में ऐसे स्टूडेंट नोट के नोट करके मैंने आपको प्रोवाइड की है, कुछ स्पेस वगैरह प्रोवाइड की है ताकि वो स्पेस का आप यूज़ कर सकें। तो आपको अच्छी बात ये भी है कि आप अपना रजिस्टर में ना लिख के आप यहाँ भी कुछ कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये लिमिटेड स्पेस होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर टॉपिक में आपको मैं छः छः सात सात पेजेस दे दूंगा क्वेश्चन करने के लिए भी। हाँ, छोटे मोटे पॉइंट्स लिखने के लिए आपके पास ये बहुत अच्छा खासा स्पेस है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अभी आप इसको देख लीजिए, दो मिनट बाद हम टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर नया टॉपिक का नाम क्या होगा? नया टॉपिक होगा फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बात करूंगा उसके बारे में कि ये चीज़ क्या होती है, फ्रेमवर्क वगैरह हम बात करेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से, एक बार आप पूरा पूरा आज का जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। दो मिनट बाद, दो से तीन मिनट बाद आपके साथ हम फिर से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक कौन सा रहेगा? जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? लेमेन लैंग्वेज की बात कर, अभी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी क्या क्या आता है वो हम बात करेंगे, बट इन सिंपल वर्ड्स जो एक्सपेक्टेड होता है कि एटलीस्ट सीए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट को पता हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब हम सब जानते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये दो चीजें आती हैं, मैं सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। प्राइमरली बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट और पी एंड एल होता है। अब बैलेंस शीट को जब हमें प्रिपेयर करना होता है, पी एंड एल को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है ना, जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को हमें प्रिपेयर करना होता है और उसके बाद जब उसका हमें प्रेजेंटेशन करना होता है, तो ये वर्ड अलग अलग है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन इज लाइक आई एम प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, प्रेजेंटेशन इज लाइक प्रिपेयर तो कर लेंगे, कौन सा है कौन सा आइटम
कहां पर दिखाना है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। किसी भी असेट का आइटम, लायबिलिटी का आइटम, एक्सपेंस का आइटम, इनकम का आइटम, कोई भी इक्विटी नेचर का आइटम मुझे कहां पर दिखाना है, बैलेंस शीट में, पीएनएल में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अब उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि असेट मतलब क्या होता है, लायबिलिटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब क्या होता है, इनकम मतलब क्या होता है, एक्सपेंस मतलब क्या होता है, ये समझना पड़ेगा ना, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना कि ये कहां कहां दिखाना चाहिए मुझे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब IFRS बनाए गए तो IFRS का एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम से क्रिएट किया गया। सर क्या क्रिएट किया गया? सी, जैसे हम ये कहें कि मुझे न्यू क्लास स्टार्ट करनी है, बात को समझिएगा, जैसे मैंने अपनी नई क्लास स्टार्ट की, ठीक है ना, मैंने अपनी न्यू क्लास स्टार्ट की, तो आपको मैंने सबसे पहले क्या दिया, इंट्रोडक्शन दिया कि बॉस मैं आपको पहले से ही बता दूं कि हम जो ये रेगुलर कोर्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसके इसके ज़रिए मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूं, मैंने आपको अपने बारे में बताया, मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया, कौन कौन सी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको टेक्निकल क्वेरीज होंगी तो कैसे आप आपकी सॉल्व होंगी, स्टडी रिलेटेड डाउट्स होंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, आपको अपने साथ क्या क्या रखना है, कॉपी वगैरह, ये सब आपको कौन कितने रजिस्टर बनाने हैं, हमारे सिलेबस में क्या कंटेंट है। इवन लेक्चर वन के शुरुआत में जब मैंने आपको IndAS के बारे में समझाना शुरू किया, तो पहले मैंने आपको एक ब्रीफ दिया कि यार देखो ऐसा है कि IndAS IFRS से बने हैं, इसमें इतने इतने चीज़ें होती हैं, ये सब होता है। क्या मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई? नहीं, पर वो पढ़ाने से पहले मैंने आपका एक फाउंडेशन क्रिएट करने की कोशिश की। इवन अभी भी एट प्रेजेंट मैं यही कर रहा हूं। मैंने आपको ये बोला था कि मिनिमम 4 से 5 क्लासेस तो मुझे लग ही जाएंगी आपका बेस क्रिएट करने में। जो हमारे मेन IndAS शुरू होंगे वो लगभग मेरा मानना है कि शायद 4th या 5th क्लास के बाद से स्टार्ट होंगे, राइट? तो मैं इन 4 दिनों में क्या करूंगा, इन 4 दिनों में मैं आपका बेस क्रिएट कर रहा हूं। आप जानते हो मैं उसको अगर टेक्निकल वर्ड बात करूं तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आगे की क्लासेस आपकी बहुत अच्छी जाएं, आपको आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं IndAS के उनका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये सब समझ में आए। सोचो अगर मैं पहले ही दिन से, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं पहले ही दिन से आपको मैं खतरनाक वाले IndAS पढ़ाना शुरू कर दूं, आप बोलोगे सर आपने स्टार्टिंग बेसिक्स तो कुछ पढ़ाया नहीं, राइट? मैंने आपको कुछ रूल्स वगैरह जो इंट्रोडक्शन में बताए थे, मैंने आपको अपने बारे में कुछ ना बताऊं तो आपको भी लगेगा यार प्रॉपर नहीं है, राइट? दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जब भी कोई नया लॉ क्रिएट करना पड़ता है तो लॉ क्या क्रिएट ऐसे ही हो जाता है? आपको यह पता होगा कि लॉ क्रिएट करने के लिए, एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट में उसका बिल, उसको इंट्रो, उसके उस लॉ के पहले वो बिल होता है, उस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, राइट? पर वो बिल भी इंट्रोड्यूस होने से पहले की प्रोसेस तो हम नहीं जानते क्या होती होगी। ऑब्वियसली उस बिल पे काम किया जाता होगा, जो भी बिल या एक्ट जिस एरिया का बनाने वाले हैं, एरिया मतलब ज्योग्राफिकली एरिया की बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी चीज के ऊपर हम लॉ बनाने वाले हैं उस चीज के बारे में पहले उन चीज के जानकार लोगों से मुलाकात होती है, उनको बिठाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप बताइए आपकी राय में क्या क्या होना चाहिए, ये सब लेकर
मिलकर ही तो बिल बनता है, ड्राफ्ट तैयार होता है। अब जैसे हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि इंट्रोड्यूस हुई है, अब क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या ऐसे ही इंट्रोड्यूस हो गई? इसके लिए ऑब्वियसली कमेटी बनाई गई, कमेटी ने पहले विचार किए, बहुत सारे डिस्कशंस किए कि यार क्या क्या प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज में है, उन प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या चीजों का क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इस बेसिस पर उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया कि यार क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर एक्ट बनाया गया या बिल बनाया गया, फिर वो उसको एक्ट का नाम दिया गया। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स थी दैट इज व्हाट फ्रेमवर्क। द पॉइंट इज कि फ्रेमवर्क मतलब ऐसी चीज जो आपका बेस क्रिएट करती है, किसी भी नई चीज को बताने के लिए उसका फ्रेमवर्क होना जरूरी है, उसका बेस क्रिएट करना जरूरी है। जब IFRS बनाया गया तो IFRS को बनाने के लिए सबसे पहले IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने उसका फ्रेमवर्क डेवलप किया और फ्रेमवर्क में उन्होंने बताया कि ये जो हम इंडेक्स बना रहे हैं इसके लिए हम किसके लिए बना रहे हैं, ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से बनाने के लिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन यूज करेगा, इसके यूजर्स कौन कौन होंगे, तो वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में बताया गया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो हमने बोला असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इक्विटी। तो इनको कौन डिफाइन करेगा, क्या इसके लिए भी अलग से इंडेक्स बनाए? नहीं, इसको डिफाइन करवाया जाएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कि असेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस, इनकम, इक्विटीज क्या होती है, ये सब किस में डिफाइन किया गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में सबसे पहले डिफाइन किया गया कि भाई जिन इंडेक्स पे हम काम करने वाले हैं उन इंडेक्स के लिए एक बेस तो हो, कुछ वाइट पेपर पॉलिसी तो हो, पता तो हो कि क्या क्या चीजें हैं, क्यों हम इंडेक्स पढ़ेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क IFRS के लिए बनाया गया। अब जब हम बात करते हैं इंडेक्स की, तो सेम इंडेक्स कहां से लिए गए, IFRS से। तो वैसे ही इंडेक्स कोल के लिए भी क्या किया गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया। क्या किया गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया। और उसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को बनाने के बाद ICAI ने सोचा कि CA फाइनल स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए कि यार ये फ्रेमवर्क क्या होता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को शामिल किया गया आपके सिलेबस में। फ्रेंकली स्पीकिंग, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली पेपर में क्या पूछा जा सकता है, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप सिर्फ उसी चीज के लिए वेट करोगे। आप बोलोगे चलो यार वही वाला पॉइंट देख लेते, छोड़ दो, नहीं बाकी सब चीजें छोड़ दो। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ एक ही चीज पूछे जाने के ऑप्शन है और वो कुछ पूछ ही नहीं सकते। वो चीज क्या होगी वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, वो पहले मैं पूरा कवर अप करूंगा, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि हाँ क्या वो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, वो क्या पूछ सकते हैं। सो करंटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी। सो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली इंडेक्स का फाउंडेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे इस चैप्टर में इतनी सब बातें हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, फ्रेमवर्क क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो वो आपको जानना जरूरी है। फिर इज द फ्रेमवर्क इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड, क्या जो फ्रेमवर्क है क्या वो इंडेक्स ही है, क्या वो फ्रेमवर्क जो होता है वो स्टैंडर्ड के बराबर होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन किसके काम आते हैं, अंडरलाइंग अजम्पशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हमें कौन से अजम्पशंस हमेशा लेने चाहिए, हमें कौन से अजम्पशंस हमेशा लेने चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, दैट इज अंडरलाइंग अजम्पशंस। अब ये चीज आपको कोई इंडेक्स नहीं बताएगा, इसका मतलब जब भी कोई इंडेक्स बनाया जाएगा वो इन अजम्पशंस के बेसिस पर ही बनाया जाएगा। जब भी कोई इंडेक्स बनाया जाएगा वो इंडेक्स बनाने के लिए यही सोचा जाएगा कि यार इसके यूजर्स ये लोग हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि यार ये यूजर्स पढ़ने वाले तो हमें इंडेक्स में
इस तरीके से बातों को कवर करना है ताकि वो सारे इन यूजर्स के हिसाब से समझे जाए। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अच्छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनको मेजर कैसे कैसे करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू, ये सब वैल्यूज आपने सुना होगा बहुत बार, ये नाम सुने होंगे। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वर्सेस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट आर कार्व आउट्स एंड कार्विंस इन इंडियाज, बेसिकली जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, नाइन्थ नंबर, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये कार्व आउट कार्विन क्या होते हैं, क्योंकि आगे चल के इनकी बातें भी आएंगी, ठीक है। तो ये बातें हम अभी फ्रेमवर्क इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आई डोंट नो आज ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं सोचना है कि यार फास्ट ट्रैक है तो मुझे भगाते जाना है। लेट्स सी, चैप्टर बहुत छोटा है, आता है इसमें से कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो आ सकता है, जिसके आने के चांसेस हैं, कभी कभार वो आरटीपी में दिखता है कभी कभार, तो हम देखते हैं कि कितना पोर्शन, क्या क्या चीज़ें होंगी। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज, द फ्यूचर इज येट इन योर पावर। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर वन इज फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस। फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस, ये फ्रेमवर्क क्या होता है और इसका क्या पर्पस है, आइए बेटा थोड़ा सा पहले रीड करना शुरू करते हैं। फ्रेम, मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि भैया क्या है फ्रेमवर्क, जैसे मैंने आपको बताया, अब थोड़ा सा उसको रीड करना शुरू करते हैं। द फ्रेमवर्क सेट्स आउट द कॉन्सेप्ट्स दैट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, पहले आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिक्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन बताएगा, वो आपको बताएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब ये फ्रेमवर्क। नाम क्या है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिकली। तो यहां क्या लिखा है, द फ्रेमवर्क सेट्स आउट द कंसेप्ट बिकॉज इट इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। वॉट इज दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, द फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंसेप्ट दैट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। द पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क इज टू, अब फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है, क्यों बनाया गया फ्रेमवर्क, पहले टू असिस्ट, मैंने जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मैंने उनको ऑलरेडी बोल्ड में लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो, टू असिस्ट द डेवलपमेंट इन फ्यूचर इंडियाज एंड टू रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इंडियाज। मैंने आपको बताया था कोई भी नया इंडेस जब बनाया जाएगा, कोई भी नया इंडेस जब बनाया जाएगा तो उस नए इंडेस को बनाने के लिए ये फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। किसी भी नए इंडेस के डेवलपमेंट के लिए फ्रेमवर्क बहुत काम आएगा। जैसे हमने मैं आपको कोई भी इंडेस की बात कर लूं, जैसे मैं आपको बोलूं इंडेस 102 शेयर बेस पेमेंट ईसॉप। मैं बार बार ये ईसॉप का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं, मैंने पिछले क्लास में भी लिया था, क्योंकि ये ईसॉप कहीं ना कहीं आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो ये टॉपिक, है ना। अब या फिर दूसरा इंडेस की बात करें, इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, एक चीज़ याद आई, आपको ऑब्वियसली इंडेस की नंबरिंग याद नहीं होगी, वो मेरा काम है आपको याद करवाने का, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आज ही की क्लास से लेकर कि अपन उसकी इंडेस की नंबरिंग और नाम को कैसे याद करेंगे, उसका बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो इंडेस 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो आपका AS 10 हुआ करता था IPCC इंटरमीडिएट में। अब इंडेस 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन बताई गई है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक तरीके से असेट होता है। अब अगर वो असेट होता तो असेट क्या होता है यार, असेट को किसने डिफाइन किया, असेट को डिफाइन किया फ्रेमवर्क ने। तो जब इंडेस 16 बनाया गया होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन जब बनाई जा रही होगी, तो उस डेफिनेशन को बनाने के लिए सबसे पहले बनाने वालों ने क्या देखा होगा, फ्रेमवर्क में जाके असेट की डेफिनेशन को पहले ध्यान दिया होगा कि भाई देखो असेट का मतलब ये होता है, इसका मतलब मुझे जो पीपी की डेफिनेशन बनानी है वो इस असेट की डेफिनेशन से ही कहीं ना कहीं लिंक करके बनानी है। आई बात समझ में, ऐसा तो नहीं कि मतलब असेट की डेफिनेशन एक बना दी और मान लो पीपी की डेफिनेशन हमने बना दी और दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जब पीपी के डेफिनेशन बनाएंगे तो हम उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कॉन्ट्राडिक्टरी तो नो। तो फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि भाई हमने आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी, इसके बेसिस पर आप आगे चल के इंडेक्स डेवलप कर सकते हो। जब भी आप इंडेक्स डेवलप करोगे तो इस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को आप ज़रूर देखोगे। जब भी आपको किसी इंडेक्स में कुछ रिविजन करना होगा तो आप पहले ये चेक करोगे कि आपके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का पर्पस है, सबसे पहला किसी भी न्यू इंडेक्स के डेवलपमेंट में वो काम आता है, असिस्ट करता है, और दूसरा किसी भी एग्जिस्टिंग इंडेक्स में वो रिव्यू करने के लिए काम आता है। दूसरा, असिस्ट प्रिपेयर्स, प्रिपेयर्स, असिस्ट प्रिपेयर्स। सर आप नाम ही नहीं ले पा रहे हो। यस, थोड़ा थोड़ा सा टंग मेरी अटक रही है। असिस्ट प्रिपेयर्स, व्हाट इज दिस प्रिपेयर्स? मतलब जो बनाते हैं क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अप्लाइंग इंडेक्स एंड इन डीलिंग विद द टॉपिक्स दैट हैव येट टू फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ एन इंडेक्स। अब होता क्या है, एक इंडेक्स 8 है आपका, अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स एंड एरर्स। वो कहता है कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपको इंडेक्स का कंप्लायंस करना है। पर अगर मान लीजिए किसी कारण से इंडेक्स के पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या इंडेक्स उसके पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप मान लो किसी कारण से कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर यू टू कंप्लाई विथ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडेक्स, तो आप चाहो तो उस इंडेक्स के पर्टिकुलर पॉइंट से स्किप होके आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हो, बट इन दैट केस आप वो इंडेक्स फॉलो मत करो। ऐसे केस में आप देखो, ये देखो कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है जो आप उसको फॉलो कर लो। मतलब जब आप किसी इंडेक्स को फॉलो करते हो, मान लो आप जब इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो तो फॉलो करते वक्त आपको लगता है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैं इंडेक्स इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से फॉलो करूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगी, ये सही प्रेजेंटेशन नहीं है, तो आपके लिए वो इम्प्रैक्टिकल हो रहा है फॉलो करना, तो कोई बात नहीं आप वो फॉलो मत करो। आप ये देखो कि जिस ट्रांजैक्शन के लिए आप वो फॉलो कर रहे थे उस ट्रांजैक्शन के लिए कुछ फ्रेमवर्क में उसका बेसिक नॉलेज तो नहीं दिया हुआ, आप फ्रेमवर्क फॉलो कर लो। तो बेसिकली फ्रेमवर्क किसको हेल्प करता है? पहला, एक तो इंडेक्स बनाने वाले को और इंडेक्स एग्जिस्टिंग इंडेक्स को रिव्यू करने वाले को असिस्ट करता है। दूसरा किसको हेल्प करता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, मतलब एंटिटीज को, मतलब कंपनीज को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है उनको हेल्प करता है। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनको हेल्प करेगा इन डीलिंग विद द टॉपिक्स दैट हैव येट टू फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ एन इंडेक्स। मान लीजिए कोई ऐसा पर्टिकुलर मैटर है जो किसी भी इंडेक्स में डील नहीं हुआ, उसके लिए अभी तक कोई इंडेक्स ही नहीं आया, अब आप उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे? अब आप उसका रिकॉग्निशन कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन करोगे कैसे करोगे, मेजरमेंट कैसे करोगे? इसके लिए अब कोई इंडेक्स तो है नहीं, अब क्या करोगे? आप जाओगे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के पास, आप ये देखोगे कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है, क्या मेरे को उस पर्टिकुलर मैटर पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? देख लेते भाई, वो जो पर्टिकुलर मैटर है, वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, उसमें कोई ना कोई असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इक्विटी, इनमें से कुछ, इन पांचों में से, मतलब वो जो मैटर है वो मैटर इन पांचों में से ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा ना, मतलब या तो वो असेट वाला होगा या लायबिलिटी वाला होगा, या तो इक्विटी वाला होगा या तो एक्सपेंस वाला होगा या तो इनकम वाला होगा। अब वो मैटर पे कोई इंडेक्स तो है नहीं, तो मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस इक्विटी की डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। और ना सिर्फ यही, मेजरमेंट पार्ट भी मुझे कहीं नहीं मिल रहा तो मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में चला जाता हूं कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मुझे क्या बताता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये बोलता है कि मेजरमेंट की बात करें तो जनरली पांच मेजरमेंट बेसिस होते हैं, कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेबल वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। चलो ठीक है, मुझे कम से कम मालूम तो पड़ा ये पांच है, तो पांच में से मैं क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ। तो बेसिकली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एक इंडेक्स नहीं है, पर इंडेक्स बनाने के लिए, इंडेक्स को रिवाइज करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ये काम आता है। तो इट असेस द प्रिपेयर्स ऑल्सो, प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो इन अप्लाइंग द इंडेक्स, किसी इंडेक्स को अप्लाई करने के लिए, या फिर इन डीलिंग विद दोज टॉपिक्स विच आर नॉट
येट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंडेज. ऐसे टॉपिक्स जो अभी तक किसी इंडेज का पार्ट नहीं है उनको भी अप्लाई करने के लिए, उनको भी डील करने के लिए आपको फ्रेमवर्क हेल्प करता है. तीसरी हेल्प क्या करता है भाई? असिस्ट यूजर्स. देखो एक एक करके वो नीचे जाते जा रहा है. सबसे पहले इंडेज बनाने वाले लोग, तो इंडेज असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंडेज एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेज. दूसरा असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं किसके लिए बना रहे? यूजर्स के लिए. तो तीसरा आ गया असिस्ट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंटरप्रिटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद द इंडेज. इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन कंफर्मिटी विद इंडेज. अब यूजर्स को वो कैसे हेल्प करेगा? अगर यूजर को पता है कि यार मेरे को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो इंडेज कंप्लायंस है, इंडेज कंप्लाइंट है, और यूजर जानता है कि वो इंडेज क्या कहता है, तो वो उसको ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में मेरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मुझे दिए गए हैं वो वाकई में क्या इंडेज से कंप्लायंस है कि नहीं है, ये यूजर को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से भी मालूम पड़ सकता है. यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लाइक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कोई ऐसा एक आइटम है जो लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है. अब वो लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है तो अब यूजर को लगा यार ये चीज क्या है. तो अगर यूजर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाएगा और लाइबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ेगा तो हो सकता है उसको क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये चीज है. बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए फ्रेमवर्क यूजर के लिए बड़ा काम की चीज हो सकती है. तीन बातें, पहला असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंडेज एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेज. सेकेंड असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, असिस्ट प्रिपेयर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अप्लाइंग द इंडेज एंड इन डीलिंग विद दोज मैटर्स और दोज टॉपिक्स विच आर येट टू फॉर्म पार्ट ऑफ इंडेज, जो अभी तक इंडेज में नहीं आए. तीसरा असिस्ट द यूजर्स टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है ना, अब यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए. अब उसके बाद ऑडिटर्स, वो ऑडिटर्स को भी असिस्ट करता है इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन. ऑडिटर का काम क्या है? क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करता है? हाँ, ऑडिट क्यों करता है? ताकि वो अपना ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट कर सके. ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम है अपना ओपिनियन फॉर्म करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और वो रिपोर्ट करना. अब उसको अपना ओपिनियन अगर फॉर्म करना है और मान लो कोई एक ऐसा मैटर है जो किसी इंडेक्स में नहीं आ रहा, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल लुक ओवर टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पार्ट, यार फ्रेमवर्क में क्या लिखा हुआ है, मैं उससे अपना ओपिनियन डेवलप कर सकता हूँ. आई बात समझ में कि नहीं? ऑडिटर को ऐसा लगता है कि एंटिटी ने ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन गलत किया है या पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से ठीक लगता है, ठीक नहीं है, तो वो उस इंडेक्स को पढ़ेगा. इंडेक्स से भी अगर उसको क्लैरिटी नहीं आ रही तो वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को पढ़ेगा. वो देखेगा यार मैं फ्रेमवर्क में देखूँ क्या लिखा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइड दोज, मतलब ऑडिटर के अलावा, यूजर के अलावा, प्रिपेयर्स के अलावा और डेवलपर्स के अलावा, बाकी वो सब लोग जो कि हु आर इंटरेस्टेड इन इंडेस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रोच टू देयर फॉर्मुलेशन. ये एंड लिखा है, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं इसको एक मिनट चेक कर लेता हूँ ये एंड क्यों लिखा है.
ये लिख लीजिए जो मैं लिख रहा हूं, एक पॉइंट छूट गया था। हो सकता है ये पॉइंट आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हो, क्योंकि जिस टाइम पे मैं क्लास अपना स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी तक मैंने अपने बुक्स में काम करता हुआ जा रहा हूँ और मैंने अभी प्रिंटिंग पे नहीं दिया है, तो मैं ये पॉइंट इनकॉर्पोरेट कर लूँगा, डोंट वरी। अच्छा, ये पॉइंट आपको आपकी बुक में लिखा हुआ मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर लूँगा मेरी बुक्स, मतलब मेरे नोट्स में से। अभी तक ये पॉइंट एंड के बाद ये स्किप हो गया, किसी वजह से डिलीट हो गया होगा। तो ये पॉइंट पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, मतलब पढ़ गया, मैं अब आपको पढ़वा ही देता हूँ। तो पाँचवा नंबर पॉइंट क्या था कि वो बाकी जितने भी लोग हैं जो कि इंडेस में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को इंडेस की नॉलेज लेनी है, तो इंडेस की नॉलेज लेने के लिए ऑब्वियसली ये ज़रूरी है कि आप उसका फ्रेमवर्क पहले पढ़ लो। वो आर इंटरेस्टेड इन इंडेस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रोच टू देयर फॉर्मुलेशन, मतलब कैसे इंडेस को फॉर्मुलेट किया गया, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे बनाए गए, हो सकता है शायद उसको फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और असिस्ट इन प्रमोटिंग द हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशंस एएस प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स परमिटेड बाय इंडेस, ताकि ये भी आपको हेल्प हो सके कि जो भी इंडेस ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी इंडेस के द्वारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए गए, वो आपको डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, वो कम से कम हो सके, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ सके और वो आपको प्रॉपर तरीके से उसका कैसे रेगुलेशन होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, वो सब आपको मालूम पड़ सके, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये सब फ्रेमवर्क बनाने का पर्पस है। फिर से बात करते हैं, पहला इट असिस्ट हु द डेवलपर, इट असिस्ट इन डेवलपिंग द फ्यूचर इंडेस एंड रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग इंडेस। सेकेंड, इट असिस्ट द प्रिपेरर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अप्लाइंग द इंडेस एंड इन डीलिंग विद दोज टॉपिक्स विच आर नॉट येट फॉर्म पार्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडेस। तीसरा, इट असिस्ट द यूजर्स ऑल्सो टू इंटरप्रेट द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर कंप्लाइड विद इंडेस। चौथा, इट असिस्ट द ऑडिटर ऑल्सो टू फॉर्मुलेट एन ओपिनियन ऑन इंडेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पांचवा, इट असिस्ट ऑल दोज पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन इंडेस विच आर हु आर इंटरेस्टेड इन इंडेस विद द इंफॉर्मेशन अबाउट अप्रोच टू देयर फॉर्मुलेशन, मालूम पड़ेगा उनको कि कैसे बनाया गया इंडेस। इट ऑल्सो असिस्ट इन प्रमोटिंग द हार्मोनाइजेशन बेसिकली ऑफ रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स, ताकि
जितने भी ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो कम से कम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सके, मतलब किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए एक ही ट्रीटमेंट हो, कॉमन ट्रीटमेंट हो, वो ज़्यादा अच्छा है, ये समझने के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये सब है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के पर्पस। सर क्या ये हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा? 99.99% चांसेस है कि नहीं पूछा जाएगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेमवर्क का क्या पर्पस होता है। ठीक है, इज द फ्रेमवर्क इक्वलेंट टू स्टैंडर्ड? क्या फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड एक ही चीज है, या फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड को एक समान माना गया है? इन अ क्लियर कट आंसर, नो। जब भी किसी चीज के लिए आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ढूंढना है, आपको उसका रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट ढूंढना है, आपको उसका मेजरमेंट ढूंढना है, आप उसका प्रेजेंटेशन पता करना चाहते हो, डिस्क्लोजर पता करना चाहते हो, आप फ्रेमवर्क के पास नहीं जाओगे, आप स्पेसिफिक इंड एएस के पास जाओगे। हैं तो सर फिर फ्रेमवर्क क्यों बनाए? अभी मैंने बताया ना पर्पस क्या था फ्रेमवर्क बनाने का। जब किसी इंड एएस को बनाना है उसके लिए फ्रेमवर्क पढ़ के बनाओ अच्छा रहेगा, पर अब इंड एएस बन गया ना उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आप फ्रेमवर्क के पास क्यों जा रहे हो? जब वो चीज का बेटर तरीके से इंडेस में बताया गया है तो फ्रेमवर्क के पास क्यों जा रहे हो? हाँ इंडेस में नहीं है तो फ्रेमवर्क के पास जाओ ना। तो अगर मैं बात कहूं सिंपल लैंग्वेज में तो हमेशा इंडेस फ्रेमवर्क के ऊपर होगा, प्रिवेल करेगा। आपको जब भी अगर कुछ रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पता करना है तो आप इंडेस के पास जाएंगे। हाँ अगर उस किसी इंडेस में कुछ नहीं है तो आप फ्रेमवर्क के पास जा सकते हो, बट फ्रेमवर्क इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड। इसको मैं अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि COVID-19, नाउ बिकॉज ऑफ COVID-19 आप जानते हैं छोटे से छोटी एंटिटी से लेकर बड़े से बड़ी एंटिटी के बिजनेस पर इंपैक्ट पड़ा हुआ है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट ही हुआ है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी गया है। जैसे हम फार्मा कंपनीज की बात करें उनको बहुत एडवांटेज हुआ, कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को एडवांटेज हुआ, बाकी मैक्सिमम इकोनॉमी में जितने भी इंडस्ट्रीज है सबको नुकसान हुआ, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। हम तो बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली इस COVID-19 के कारण कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ होगा। अब किसी इंडेस में ये थोड़ी लिखा हुआ था कि अगर COVID-19 अचानक से हो गया तो क्या करोगे, या ऐसी कोई अनसर्टेनिटी आ गई, ऐसा कोई पेंडेमिक या आपदा आ गई तो क्या करोगे, है ना। तो इसके लिए अभी इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली FAQs बनाए। मान लीजिए कोई FAQs नहीं है या नहीं बनाए होते और हम बोल रहे हैं कि यार ये तो ऐसा हो गया कि अब हमें इसकी रिपोर्टिंग को देखना पड़ेगा कि यार हम इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 हो रहा है, क्योंकि COVID-19 आ गया था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है यार इसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, पर्टिकुलर इंडेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है क्योंकि COVID-19 के चक्कर में तो हमारा बिजनेस इंपैक्ट कर गया था। एक काम करते हैं, हम जाते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, देखते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की बेसिक्स क्या है, हो सकता है हमें हेल्प हो जाए। आई बात समझ में? सो इन शॉर्ट फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड इटसेल्फ, फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड नहीं है। Does if you wish to decide on the financial reporting of certain transactions, you need to look into the appropriate Ind AS. अगर किसी transaction के treatment के बारे में आपको पता करना है Ind AS में जाओ। Sometimes it may even happen that the rules in Ind AS will contrary to what framework says. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि Ind AS में जो लिखा हुआ है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। जैसे फ्रेमवर्क में असेट की डेफिनेशन का जो डेफिनेशन दी गई है, मैं आपको पढ़ाऊंगा असेट की क्या डेफिनेशन है, यहां आगे है। असेट को क्या डिफाइन किया गया ये फ्रेमवर्क बताता है, पर अब असेट तो बहुत तरह की होती है, टेंजिबल इनटेंजिबल। टेंजिबल असेट के ऊपर एक हमारा इंडेस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक दूसरा इंडेस है हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इनटेंजिबल के ऊपर इंडेस 38 है, है ना। असेट के डेप्रिसिएशन के ऊपर भी बातें बताई गई हैं, उसके इंपेयरमेंट के ऊपर बातें बताई गई हैं। तो मान लो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर इंड एएस में जो लिखा हुआ है और जो फ्रेमवर्क में बताया गया वो कॉन्ट्ररी हो रहा है किसी कारण से, मान लीजिए जनरली ऐसा होता नहीं है पर अगर मान लो किसी कारण से कॉन्ट्ररी हो रहा है तो क्या करोगे? आप इंड एएस को फॉलो करोगे क्योंकि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज में
इंड एस बनाया जा चुका है. इन दिस केस यू नीड टू अप्लाई द स्टैंडर्ड नॉट द फ्रेमवर्क. वेन शुड यू अप्लाई द फ्रेमवर्क? फिर फ्रेमवर्क अप्लाई करना ही कब है? जब हमें बाप ने बोल दिया कि इंड एस फॉलो करो. इन मोस्ट केसेस व्हेन देयर आर नो स्पेसिफिक रूल्स फॉर योर ट्रांजेक्शन यू नीड टू डेवलप योर अकाउंटिंग पॉलिसी. अब मान लो किसी ट्रांजेक्शन के बारे में, किसी भी इंड एस के बारे में कुछ इंड एस में कुछ नहीं लिखा हुआ. अब मुझे तो उसकी कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है. वो अकाउंटिंग अपनी में बना सकता हूं कंसिडरिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क. देन यू वुड लुक इन टू द फ्रेमवर्क एज यू कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशंस. मतलब जब किसी पर्टिकुलर इंड एस में कुछ भी नहीं बताया गया तुम्हारे पर्टिकुलर मैटर पे, टॉपिक पे, ट्रांजेक्शन पे, तो तुम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो. तुम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी क्रिएट करने के लिए तुम कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जाके बेसिक्स पता करोगे, डेफिनेशंस को कंसीडर करोगे, फिर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे. आई बात समझ में कि नहीं? बेसिक प्रिंसिपल्स को चेक करोगे, फिर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओगे. समझ में आया? सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेमवर्क. गाइस अंडरस्टूड ऑर नॉट? अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्रेमवर्क और उसका पर्पस क्या होता है, क्या फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड के बराबर है कि नहीं. तीसरी बात, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम बना रहे हैं बेस्ड ऑन इंड एस एंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये किसके लिए बना रहे हैं? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन यूज करता है? इन्वेस्टर. यस. अब जैसे मैं अपनी बात कर लूं, अगर मान लो मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है, रिलायंस में मेरी फेवरेट कंपनी है, अगर मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली मैं रिलायंस इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करूंगा. मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट से जाके मैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करूंगा, या रिलायंस इंडस्ट्रीज की वेबसाइट में भी उसके एनुअल रिपोर्ट्स पड़ी होंगी, मैं वेबसाइट से डाउनलोड करूंगा, मैं उनके एनुअल रिपोर्ट्स में उनके रेशियोज है, रेशियो एनालिसिस वगैरह करूंगा, नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा, देखूंगा कि कंपनी के आगे के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या क्या हैं. ऑब्वियसली कंपनी ने बताया होगा, तो इन बेसिस पर मैं इन्वेस्ट करूंगा. इसका मतलब क्या हुआ? मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना है, मैं यूजर हूं. मेरी फेवरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, मतलब एट प्रेजेंट, मैं नहीं जानता हूं कि ये फेवरेट कंपनी मेरी कब तक रहती है, बट टू बी वेरी फ्रेंक, मेरी एट प्रेजेंट फेवरेट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा. मैंने आज तक मतलब एक महीने पहले तक, अभी जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं उससे एक महीने पहले तक, मैंने कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया. मेरा डीमैट अकाउंट भी नहीं था, लगाया ही नहीं. मतलब शुरू से एक था कि नहीं यार, स्टॉक मार्केट में मैं नहीं जाना चाहता वगैरह वगैरह. अब क्या होता है, COVID-19 में हर कोई अपने अपने घर पे बैठा रहा, हर कोई कमाई के और अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढने लगा. तो ऐसा मैंने नहीं किया, बट मैं बता रहा हूँ आपको. तो क्या होता है, जब इंसान घर पे बैठा रहता है तो उसका दिमाग एक्सेसिव चलता है कि यार ये कर सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं. सो आई थॉट ऑफ ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट. पर मेरा एक फैंटेसी थी कि मैं जब डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर लूँगा तो पहला शेयर जो मैं परचेज करूँगा, पहला इन्वेस्टमेंट जो मैं करूँगा, वो करूँगा मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, कुछ भी हो जाए. भले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर कितने का भी मिले, भले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर गिर रहा हो, वॉट एवर, या आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो भी हैं ऑब्वियसली अच्छे हैं, तभी तो मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही ना, मैं इन्वेस्ट करूंगा तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में ही सबसे पहला इन्वेस्ट करूंगा. और मैंने यही किया. मैंने पिछले महीने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया अपना ऑनलाइन, और उसमें सबसे पहले मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेज किए. ये नहीं बताऊंगा कितने परचेज किए, कितने के परचेज किए, कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो नहीं बताऊंगा. बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट किया. टू बी वेरी फ्रेंक, मैं ना थोड़ा सा शेयर मार्केट को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर अपने आप को इतना ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं समझता हूँ. पहली बात, सीधी बात है, जो चीज़ आपको नहीं आती वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए. आई एम नॉट हैविंग अ गुड नॉलेज, इवन आई कैन से अ बिग नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट. मैं आई डोंट नो अबाउट दिस, बट येस, जब भी मुझे कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो पहले मुझे एनालिसिस करना पड़ता है. मैं कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ कि हाँ यार किसी ने एनालिसिस किया तो मैं समझ लूँ. दूसरी बात, मेरी थोड़ी फटती भी है, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव टाइप का इंसान हूँ. स्टॉक मार्केट की बात करें, एज फार एज
डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में बात करें, एज फार एज म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग इज कंसर्न, टेक्निकली म्यूचुअल फंड भी तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, पर म्यूचुअल फंड इज मोर सेफ. म्यूचुअल फंड इज कंसिडर एज मोर सेफ. जिनको नॉलेज है म्यूचुअल फंड के बारे में, आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं है, वो भी पैसा स्टॉक मार्केट में जाके लगता है, पर पूल ऑफ एक पूलिंग होती है अलग अलग शेयर्स की. तो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको मैं बता दूं, मैंने म्यूचुअल फंड में करके रखा है, मैंने अपना और दामिनी का. स्टॉक मार्केट में रिसेंटली मैंने पैसा लगाना शुरू किया है और सिर्फ अभी तक मैंने दो कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरी है बर्जर पेंट्स. क्योंकि मैंने बर्जर पेंट्स का भी एनालिसिस देखा, मुझे लगा यार अच्छी कंपनी है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो मैंने उसमें एनालिसिस उसका इन्वेस्टमेंट किया. सो इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या करना, मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि यार फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम पड़े उस कंपनी की, तभी तो मैं इन्वेस्ट करूँगा ना. अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे मालूम पड़ी, मैंने क्या किया, मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया. मैं यूट्यूब पे गया, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि यार किसी ने बर्जर पेंट्स का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस किया है कि नहीं. रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस या बर्जर पेंट्स का एनालिसिस मुझे बहुत सारे लोगों का मिल गया. मैंने जब उनके वीडियोज़ को देखा तो मुझे मालूम पड़ा यार उन्होंने जो वीडियो बनाया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देख कर बनाया है, ठीक है ना. उनका नेट प्रॉफिट एनालिसिस, अर्निंग रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज, ठीक है ना, नेटवर्थ, उनका CGAR, बहुत सारी चीज़ें. एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स में दूसरा आता है एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को भी कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी कंपनी कितनी ग्रो कर रही है, हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ताकि हम अपनी कंपनी के साथ बने रहें कि नहीं. तो एम्प्लॉयज भी अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं. लेंडर्स, ऑब्वियसली अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि यार तुम मुझे पैसा दोगे उधार पे, मैं बोलूं कि यार बेटा तुम मुझे जानते तो हो, मैं जय सर हूं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पैसा दो उधार पे एक साल के लिए. आप बोलोगे सर रिलेशन विलेशन जाए भाड़ में, मुझे मालूम तो हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजिशन कैसी है, आपकी फाइनेंशियल पोजिशन स्ट्रांग है कि नहीं, आपकी अर्निंग लेवल स्ट्रांग है कि नहीं. ऐसा तो नहीं कि मैं आपको पैसा देके फंस जाऊंगा और मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा कि नहीं. उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करोगे. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर लेंडर चेक करेगा तो क्या पता वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बोगस हो, जो कि आमतौर पर मतलब जो कि होता भी है कभी कभार. अब वो इसीलिए तो ऑडिटर को रखा गया है कि ऑडिटर अपना एक ओपिनियन फ्रेम करे, ट्रू एंड फेयर व्यू दे. ये सब बातें आप अंदरूनी में क्या आपको बताऊं, ये सब आप बातें आर्टिकलशिप में समझ रहे होंगे कि किस तरीके से होती है. बहुत सारे ऐसे स्कैम भी आते हैं जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से बनाया गया, जिसके पीछे फिर ऑडिटर इन्वॉल्व था तो ऑडिटर को भी पकड़ा गया, ठीक है ना. कभी कभार तो ऐसा होता है कि डायरेक्टर वगैरह कंपनी के बच जाते हैं, निकल लेते हैं, बेचारा ऑडिटर फंस जाता है क्योंकि उसने ओपिनियन गलत फ्रेम किया. तो लेंडर्स के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी हैं. सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, सीधी बात है, अगर मैं कहीं से गुड्स ले रहा हूँ, सर्विसेज ले रहा हूँ, सामने वाले से मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए उसको पता होना चाहिए मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेरी पोजीशन क्या है, मेरी अर्निंग पावर क्या है. मेरे कस्टमर्स मुझसे जो रिलेशन रखना चाहते हैं, आपने देखा होगा, मैं आपको बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दूंगा. अब मैगी अपन खाते हैं, तो मैगी क्या है, बेसिकली मैगी एक ब्रांड का नाम है. बेसिकली मैगी क्या बनाता है, मैगी नूडल्स. मैगी तो बहुत सारी चीज़ें देती है, मैगी मसाला भी होता है ना. मैगी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, पर जो मैगी का जो कॉमन प्रोडक्ट है वो कौन सा है, नूडल्स. पर अपन कभी घर पे अपने मैगी बनती है तो अपन ये नहीं बोलते कि मम्मी नूडल्स दो, बल्कि बोलेंगे नूडल्स दो, तो घर वाले सोचते नूडल्स थोड़ी बनाई, मैंने तो मैगी बनाई है. ऐसा होता है कि नहीं. बट आजकल आप देख रहे हैं कि मैगी जो नूडल बनाती है उसके अलावा दूसरे भी ब्रांड आने लगे हैं, सेम जो मैगी बनाते हैं. अपन दूसरे ब्रांड को भी जब बनाते हैं तो वो बोलते हैं मैगी बनी है. जैसे मैं आपको बोलूँ सनफीस्ट का यिप्पी नूडल्स, वो होती मैगी है बट ब्रांड अलग है. अब मैगी ब्रांड किसका है, नेस्ले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नेस्ले इतना पुराना ब्रांड, आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आपको मम्मी ने बोला बेटा मैगी लेके आना, आपको मम्मी ने बोला मैगी लेके आना, ठीक है, आप क्या करोगे. आपके सामने रैक पे एक तरफ येलो पैकेट रखे हैं मैगी नूडल्स के,
और एक तरफ रेड या ऑरेंज कलर के पैकेट रखे हैं सनफीट सनफीस्ट के, आप क्या उठाओगे? आप बोलोगे यार मैगी उठा लेता हूँ, क्यों? ये बहुत पुरानी है, मैं जानता हूँ कि हाँ ये बहुत टेस्टी है, उसकी एक गुडविल बनी हुई है। तो कस्टमर यही करता है, कस्टमर ये देखता है कि यार उसको, कस्टमर को पता रहता है कि यार इस कंपनी की पोजीशन वगैरह कैसी है, किस तरीके से है। तो कस्टमर को भी फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और ऑल्सो द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जनरल पब्लिक, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं। बच्चों एक काम करो, एक मिनट आप सबसे पहले इसको एक बार रीड कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये सब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक मैंने आपको बताया नहीं, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह जब बुलवाती है तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह लेने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने सबमिट करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल एनालाइज कि यार आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसके बेसिस पर ही आपको टेंडर वगैरह मिलेगा। अंदरूनी बात सब जानते हैं कि टेंडर तो उसी को मिलता है जो खिलाता है। पब्लिक एट लार्ज, अगर पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पता करना है किसी कंपनी के बारे में, चाहे वो इन्वेस्ट कर रही है चाहे नहीं कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टर तो यहीं पे आ ही है ना, फिर भी उसको ज़रूरी है समझना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके हिसाब से भी होते हैं। याद रखिएगा, फ्रेमवर्क सबसे इंपॉर्टेंटली एक बात बोलता है कि हमारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए दो बेसिक अजम्पशंस लेना बहुत जरूरी है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आपको ये दो बेसिक अजम्पशन, मतलब जो यूजर है वो ये दो बेसिक अजम्पशन हमेशा लेके चलेगा। पहला अक्रूअल बेसिस, दूसरा गोइंग कंसर्न। देर आर सम बेसिक अजम्पशंस विच शैल बी फॉलोड। मीन्स एज अ यूजर हमेशा मान के चलेगा कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं इंड एएस के अकॉर्डिंग वो अक्रूअल बेसिस पर बनाए गए हैं और वो गोइंग कंसर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। व्हाट इज अक्रूअल? मर्केंटाइल अप्रोच, मतलब चाहे मुझे कैश रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, अगर मेरा एक्सपेंस या इनकम अक्रू हो चुका है, इनकर हो चुका है, तो मैं उसको बुक करूंगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, कैश भले बाद में मिले या पहले मिल चुका था। गोइंग कंसर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ऐसा हमेशा हर यूजर मान के चलेगा। मतलब यूजर किसी भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा है तो ये सोच के देख रहा होगा
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली गोइंग कंसर्न अप्रोच के हिसाब से बनाए गए हैं, मतलब कंपनी आगे फोरसीएबल फ्यूचर तक अपना बिजनेस चलाती रहेगी। ये दो अंडरलाइंग अजम्पशंस हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ये अजम्पशंस आपने कभी पढ़े नहीं है, इंटर में भी आपको AS1 में पढ़ाया गया था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, इसमें CGA था, इसमें C एक्स्ट्रा था कंसिस्टेंसी, यहाँ वो नहीं है, यहाँ सिर्फ दो अजम्पशन है, याद रखिएगा। मैं तो कहता हूँ कि इवन आपने ये भी शायद थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपने इंटर में आपको आपने देखा होगा यूजर्स कौन होते हैं, फ्रेमवर्क का पर्पस क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटर से ही आपको बताया जा रहा है। गोइंग कंसर्न के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है जो मैं आज की क्लास में करवाऊंगा, बट अभी नहीं करवाऊंगा, थोड़ी देर बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। अब देखो, जब भी आपके बुक में कोई इलस्ट्रेशन आएगा ना, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इलस्ट्रेशन का कलर देखिए और सॉल्यूशन का कलर देखिए, आपको अलग मिलेगा। और इलस्ट्रेशन का फॉन्ट देखिए और नॉर्मल टेक्स्ट का फॉन्ट देखिए, आपको दोनों में डिफरेंस मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था उस दिन कि जो नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट आपका एक तरीके से हैंड रिटन फॉन्ट जैसा होता है वैसा होगा, दिखेगा आपको। जबकि आप इसको देखेंगे, अगर आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन का फॉन्ट अलग है, फॉन्ट नेम अलग है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से फीचर्स होने चाहिए, हम इसको ये बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। Of a good financial statements, किसी अच्छे financial statement को बनाने में कौन कौन से characteristics होने चाहिए। पहला, understandability। अच्छा बच्चों, ये मैंने जो chart दिया है आपके सामने सिर्फ chart बताया है, अगर आपको एक एक point पढ़ना है तो आप अपना module refer कर सकते हो, but मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ भी आपके inter level की चीज़ थी, अगर आपको याद हो, सेम पॉइंट आपके इंटर में था। तो डिटेल्ड में अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, बट आप जानते हो कि ये चीज एग्जाम के पर्पस से नहीं पूछते कभी भी, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो मॉड्यूल में अगर आपको इसका आपको अगर इसका थ्योरी पढ़ना है तो आप मॉड्यूल से जरूर देख सकते हो, मैं आपको बोलूंगा कि टेक्निकली उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि यार वो किसी को भी समझ में आ जाए, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अब इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता दूं, अंडरस्टैंडेबल से रिलेटेड हमारे पास एक Schedule 3 करके कंपनीज एक्ट में Schedule 3 बनाया गया है, जो कि आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बताता है, और वो फॉर्मेट इतना प्यारा है कि किसी भी यूजर को समझ में आ जाएगा कि हाँ यार किस चीज़ का रेलेवेंस क्या है। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे हों कि वो हर किसी को समझ में आए। अब अगर मान लो Schedule 3 में फॉर्मेट नहीं दिया होता, हम बोलते हैं अपने अपने हिसाब से बनाओ, बट अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, आप भी समझ सकते हो कि कुछ क्या करेंगे, कुछ लोग कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना अंडरस्टैंडेबल होगा, कुछ नहीं बोल सकते। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए Schedule 3 के हिसाब से फॉर्मेट बनाया गया, दैट फॉर्मेट इज कहीं ना कहीं बनाया गया बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, दूसरा इज रेलेवेंट। रेलेवेंस मतलब ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको इस तरीके से दिखाओ कि वो लगे भी कि हाँ यार ये रेलेवेंट है, ऐसा नहीं इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके बता रहे हो और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हो। मैं जब आपको Ind AS 1 पढ़ाऊंगा, मैं आपको Ind AS 1 पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, नहीं अगली नहीं, शायद फोर्थ वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, फोर्थ लेक्चर या फिफ्थ लेक्चर में,
तब मैं आपको मटेरियलिटी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि मटेरियल मतलब क्या होता है, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि मटेरियल की डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है, उसका रेलेवेंस यहां से है। रेलेवेंस मतलब बेसिकली जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली दिखाओ, जो इमटेरियल है अगर उसको शॉर्ट में भी दिखाओगे तो चलेगा। रेलेवेंस दैट इज मटेरियलिटी, इसका रेलेवेंस हम इंड एस वन में देखेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसा नहीं कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है आप उसको भी दिखा रहे हो, भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, इट इज नॉट लाइक दैट। थर्ड इज रिलायबिलिटी। ये ऊपर के जो पॉइंट्स हैं ब्लू कलर वाले वो सब मेन हेडिंग है, और जो नीचे वाले हैं ग्रीन कलर वाले वो सब सब हेडिंग है। रिलायबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि ताकि उनके ऊपर रिलाय किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर मैं रिलाय कर रहा हूँ, दैट मीन्स रिलाय कर रहा हूँ मतलब मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन ले रहा हूँ। अब मैंने आपको बोला कि मैंने बर्जर पेंट्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, क्यों? क्योंकि मैंने बर्जर पेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया, मैंने उसके नेट प्रॉफिट रेशियोज चेक किए, मैंने उसका टर्नओवर का ग्रोथ चेक किया, मैंने उसका क्या बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो देखा, मैंने कुछ रेशियोज देखे। अब वो रेशियोज अगर मान लो गलत है, उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाया, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी से, दैट मीन्स माय इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माय डिसीजन मेकिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बेसिकली रिलायबिलिटी मतलब मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाय कर सकूं ताकि मैं एक प्रॉपर डिसीजन ले सकूं, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। जिसके लिए आपको याद रखना है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सारी बातें आपको सच सच बतानी है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जितने भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहे हो, वो अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते वक्त आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? सब्सटेंस ओवर फॉर्म का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब क्या लीगलिटी है, लीगलिटी से ऊपर सच्चाई क्या है, उसके बेसिस पर आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फ्रेम करो। देखो अब ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं आपको, ये हमने आपको पढ़ा रहा हूँ क्वालिटेटिव एक्सपर्ट्स। ये क्वालिटेटिव एक्सपर्ट्स किस में बताए गए? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का पर्पज़ क्या होता है? किसी भी इंड एस को डेवलप करने के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हेल्प करता है। तो इसका मतलब आगे चल के अगर मान लो MCA एक नया इंड एस डेवलप करेगा, तो MCA ये कोशिश करेगा कि उसमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉलो हो। ऐसा नहीं कि हम लीगलिटी पर ज़्यादा ध्यान देते, किसी भी इंड एस को फॉलो करने के फॉर्म करने के लिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ध्यान रखा जाएगा। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए या लेंडर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, ऐसा ना हो। प्रूडेंस, प्रूडेंस नहीं, प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिविज्म अप्रोच होनी चाहिए, मतलब फोर्सिएबल लॉसेस को कंसीडर कर आपने कोई पॉलिसी फ्रेम की हो, ना कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स को कंसीडर किया करके आपने पॉलिसी बनाई हो। लास्ट में कंप्लीटनेस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी हो, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। ये सब चीज़ें किस में आती है? रिलायबिलिटी। सीधी बात है ना, अगर आपने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, मैंने तो समझा कि आपने मैंने तो ये समझा था कि आपने पूरी दे दी, जबकि आपने पूरी नहीं दी, मैंने रिलाय कर दिया। प्रूडेंस, आपके साला आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में कुछ लॉसेस होंगे, आपने उनके बारे में बताया ही नहीं, आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हो। न्यूट्रलिटी, आपने तो जनरल पब्लिक को ध्यान ही नहीं दिया। सब्सटेंस और लीगल फॉर्म, आपने सब्सटेंस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी फ्रेम ही नहीं की। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, जो जो बताया वो फ्रॉड करके बताया, गलत बताया। तो ये सब इसका इसका रेलेवेंट किससे है? रिलायबिलिटी से है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपेरेबिलिटी। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनको आप अपने ही पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सको, यूजर्स उनको कंपेयर कर सके, और अदर इंडस्ट्री सेम इंडस्ट्री के अदर कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर किए जा सके। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि धीरे धीरे आप देख रहे हो इंडिया में बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या देखते हैं? वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं अपने किसी दूसरे कंपनी से ताकि देखे तो सही कि क्या परफॉर्मेंस है, तो कंपेरेबल होने चाहिए। तो ये सब है आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, रेलेवेंस मतलब मटेरियल होने चाहिए, मटेरियलिटी को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बाद रिलायबल और कंपेरेबिलिटी। रिलायबल से रिलेटेड मतलब ये है सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म को ध्यान रखना, प्रूडेंस का कंसीडर करके चलना, कंप्लीट होना आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना, ठीक है ना, ये सब। दिस इज योर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या करना है आपको, आपको ये पोर्शन रीड करना है। मैं बोलूँगा पूरा नहीं तो जितना भी रीड कर सको, यहाँ तक है एक्सपेंसेस तक। क्या हेडिंग है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा सर ने इंपॉर्टेंट लिखवा दिया, मतलब एग्जाम्पल एग्जाम में यही पूछा जाता होगा, नहीं ये इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज वाइज, जरूरी नहीं, मैं आपको वो लास्ट में बताऊंगा कि एग्जाम में क्या आता है। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके सो चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बोला पढ़ लेना. बेसिकली इसमें पांच चीजों को डिफाइन किया गया है, असेट लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम्स और एंड एक्सपेंसेस. पांच चीजों को डिफाइन किया गया है. अब आप बोलोगे सर इनको यहां पर क्यों डिफाइन किया गया, तो मैं आपसे बल्कि पूछ रहा हूं और कहां डिफाइन करना चाहिए, किसी इंडेस में क्यों डिफाइन किया जाएगा. भाई इंडेस में तो किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ आइटम के बारे में बात की जाएगी. बेसिक्स जो असेट लायबिलिटी है उसकी डेफिनेशन कहां डिफाइन तो करना पड़ेगा ना. और आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि जब हम सीए कर रहे होते हैं तो जो नॉन सीए फ्रेंड्स होते हैं हमारे या जो मजे लेने वाले जो लोग होते हैं, वो मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार, वो पूछते हैं, मतलब ऐसे कभी बार होता था मेरे साथ जब स्टूडेंट होता था मैं, कि अच्छा तू सीए कर रहा है ना, बता ना वो असेट का मतलब क्या होता है, असेट का डेफिनेशन बता. दिस इज जस्ट लाइक दैट कि वो जो थ्री इडियट्स में आमिर खान से मशीन का डेफिनेशन पूछा गया था, दे आस्क अस असेट का डेफिनेशन बोल, लायबिलिटी का डेफिनेशन बोल, और हम अपना ऐसा मुंह ताकते रहते हैं कि क्या यार डेफिनेशन. हम अपनी भावनाओं के हिसाब से तो समझा लेते हैं पर एग्जैक्टली जो डेफिनेशन होती है वो हम बता नहीं पाते. ऐसा कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता होगा. सो बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफाइन किए गए हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में, मतलब इस फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन में. उसमें ये बताया गया है कि भाई किसी भी चीज़ को असेट कब बोला जाएगा, लायबिलिटी कब बोला जाएगा, इक्विटी कब बोला जाएगा, इनकम कब बोला जाएगा, एक्सपेंस कब बोला जाएगा. आइए पढ़ना शुरू करते हैं. पढ़ने से भी पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई असेट मतलब क्या, मैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा. असेट मतलब क्या, असेट मतलब ऐसा कोई भी रिसोर्स या ऐसी कोई भी चीज जिसमें दो चीजें हों, जिसमें दो कंडीशंस सेटिस्फाई करें. पहला कंट्रोल. अब यहां पर कंट्रोल से मेरा मतलब क्या हुआ, मेरे पास अगर आज कोई भी चीज है, मेरे पास अगर आज कोई भी चीज है ठीक है ना, तो क्या उसमें मेरा कंट्रोल है, मतलब क्या वो मेरी ओनरशिप की असेट है. समझ में आ रही कि मेरी नहीं. मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी का यूज कर रहा हूं, क्या उसमें मेरा कंट्रोल है, मतलब क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं, क्या मैं अपने हिसाब से उसको सेल कर सकता हूं, क्या मैं किसी और को उसको रेंट पे दे सकता हूं, क्या मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूं, क्या मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं, या मैं कुछ भी ना करूं ये भी कर सकता हूं. आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं. सो इफ आई कैन डू एनीथिंग विद दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, रिसोर्स मींस जो हमारे काम आए, विद दैट पर्टिकुलर रिसोर्स इफ आई कैन डू एनीथिंग दैट मींस आई हैव कंट्रोल ओवर इट, मतलब कहीं ना कहीं मैं उसका ओनर हूं. अब ओनर में कैसे हूं, या तो मैंने उसको परचेज किया है, या तो वो मुझे गिफ्ट में मिला है, ठीक है ना, वो अपन गाड़ियों के पीछे लिखवाते ना मॉम्स गिफ्ट, डैड्स गिफ्ट, है ना. तो बेसिकली कंट्रोल मतलब आई कैन यूज एनीथिंग विद दैट. और दूसरा कहा गया है कंट्रोल के साथ साथ, दूसरा कहा गया है एंटिटी कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. एंटिटी कैन एक्सपेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. अब मैं ये बोलूं कि मेरा कंट्रोल तो है, मेरा कंट्रोल तो है, मतलब मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कंट्रोल है, मैं उसका कुछ भी कर सकता हूं, बट क्या उससे मुझे एक्चुअली में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, देखते हैं. मेरे पास एक गाड़ी है जिसका मैं यूज कर सकता हूं, पर वो इतनी पुरानी हो गई है
टेक्निकली देखा जाए तो वो एक स्क्रैप है, तो मैं उसका यूज़ करना चाहता नहीं, सेल में करूँगा नहीं क्योंकि उसकी कोई मार्केट वैल्यू है नहीं। सेल करना चाहूँ कर सकता हूँ, कंट्रोल है। रेंट पे कोई लेगा नहीं क्योंकि मुझे कोई उसका कोई मार्केट वैल्यू है नहीं। मॉडिफाई करने पे तो इतना खर्चा आ जाएगा कि मैं कोई नया व्हीकल नहीं लेके आऊँ। रिपेयर करने पे यही सही होगा, यही होगा। अच्छा है कि मैं फेंक दूँ, हाँ मैं फेंक ज़रूर सकता हूँ क्योंकि मेरा कंट्रोल है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या कंट्रोल होने से सिर्फ मैं उस चीज़ को असेट बोल दूंगा? सिर्फ कंट्रोल होने से? द आंसर इज नो। कंट्रोल तो होगा ठीक है, पर कंट्रोल के साथ साथ क्या मैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स से फ्यूचर में कोई बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्या, कि मैं जब यूज़ करूँगा तो मेरा टर्नओवर बढ़ेगा? बिजनेस सेंस में बात कर रहा हूँ। सेल करूँगा तो कुछ इन्फ्लो आएगा, रेंट से इन्फ्लो आएगा, मॉडिफाई रिपेयर करवाऊँगा तो मुझे कुछ बिजनेस में काम आएगा तो मेरा इन्फ्लो बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, वॉट एवर। वेदर आई कैन एक्सपेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, द आंसर इज नो। दैट मीन्स मेरी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कंट्रोल वाली, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, दैट मतलब वो रिसोर्स मेरा असेट नहीं है, उसको लॉस मानते हुए पेंडल में डाल दो। बेसिकली किसी भी चीज़ को असेट मानने के लिए अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, बट जो दो बेसिक कंडीशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बताई हैं वो है कंट्रोल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। मैंने आपको बोला अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटेंजिबल असेट है, अब इसमें दो वर्ड है, इंटेंजिबल असेट, किसी भी असेट को इंटेंजिबल बोलेंगे तो इंटेंजिबल असेट हो जाएगा। अब इंटेंजिबल असेट के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है ना, आइडेंटिफाइबल। मैं AS 26 मतलब IND AS 38 के बारे में बात कर रहा हूं। आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनिटरी होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, पर ये तीनों एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंट्रोल होना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। तो अब थर्ड, PPE या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो भी तो हमारा असेट होता है, तो उसमें एडिशनल फीचर जरूर होंगे, बट दो बेसिक फीचर क्या होंगे? हमारा कंट्रोल, मतलब हम अपनी मन मर्जी के मालिक हैं उस चीज को, हम कुछ भी कर लें। दूसरा, हमें एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो बेसिक कंडीशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बनाई है। अब अगर मान लो कोई भी इंडेक्स अगर आगे चल के फ्यूचर में बनाया जाएगा और उसमें अगर मान लो किसी भी प्रकार की असेट का जिक्र का डिस्कशन आएगा, तो उसकी डेफिनेशन बनाने के लिए पहले कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को तो रखा ही जाएगा क्योंकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने बोल दिया। आई बात समझ में? तो क्या लिखा है? असेट इज अ रिसोर्स विच इज कंट्रोल्ड। रिसोर्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको हम यूज कर सकें, जो हमारे बेनिफिट में आ सके। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट क्यों बोल रहा है? मैं कंट्रोल क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने पास्ट में वो चीज खरीदी थी, That is past event. या मुझे डोनेशन में मिली थी, past event. या मुझे गिफ्ट में मिली थी, past event. मैंने किसी कंपनी को acquire किया, उसकी assets मेरे पास आ गई, that is past event. So because of some past event, I am able to control that. And from which, and आ गया मतलब plus आ गया, from which future economic benefits are expected to flow. Now the definition says expected. डेफिनेशन में ये नहीं लिख सकते कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर मैंडेटरी, विल मैंडेटरी भी फ्लो। अरे भाई भाई, आज मेरे पास ये सिस्टम है, माउस है, अभी अगर गिर गया तो फिर नहीं मिलेगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं इसको तरीके से संभाल के चलाऊंगा, गिराऊंगा नहीं, ताकि मुझे फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बेनिफिट देगा। जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये कैमरा मुझे याद है, मैंने कैमरा ये 2018 में लिया था 90,000 रुपीज़ का। मैं जस्ट आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत महंगे महंगे भी कैमरा भी आते हैं, मैंने तो ठीक ठाक मेरे बजट के हिसाब से मैंने कैमरा लिया था, तो 90,000 का लिया था। अब मैंने तो यही एक्सपेक्ट करके लिया ना कि भाई मैं इस कैमरा को मिनिमम 6-7 साल तो चलाऊंगा। ऑब्वियसली यार, कैमरा है यार, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी है, मतलब मैं 1 साल में ख़त्म कर दूंगा। बट अगर अचानक से, भगवान न करे भाई साहब हो यार, बट अचानक से कल को ये कैमरा गिर गया, ठीक है ना, कैमरा गिर गया, मुझे दुख होगा बहुत ज़्यादा, मेरा बजट नहीं है इतना अभी फिलहाल, तो कैमरा अगर ये गिर गया, तो कैमरा अगर ये गिर गया तो इसने तो बेनिफिट अब फ्यूचर में देगा ही नहीं, इसने तो बेनिफिट सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए दिया,
अब क्या करें, 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए दिया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेनिफिट अब मुझे नहीं मिल रहा है, एक्सपेक्टेड था अब नहीं मिल रहा है। बात है यहाँ पर एक्सपेक्टेड की, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि हाँ यार ये कम से कम 6 साल तक चलेगा, चलेगा ना, आगे देखेंगे कितना चलता है, फिलहाल तो आप इसको असेट मानो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं कंट्रोल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे। कंट्रोल, ड्यू टू सम लीगल कंस्ट्रेंट्स इन द कंट्री, एंटिटी ए होल्ड सम असेट्स ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी बी विच आर बीइंग यूज्ड और डायरेक्टेड बाय कंपनी बी इटसेल्फ। एंटिटी ए के पास एक असेट है, जो असेट वो कंपनी बी के बिहाफ पे होल्ड कर रही है, विच आर बीइंग यूज्ड एंड डायरेक्टेड बाय कंपनी बी इटसेल्फ। कंपनी बी उसको यूज करता है, डायरेक्ट करता है कि हाँ कैसे करना है, पर होल्ड कौन करके बैठा है, कंपनी है, विदाउट एनी इंटरफेयर बाय कंपनी ए। ऑल द प्रोडक्शन बेनिफिट विल एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय कंपनी बी। असेट होल्ड बाय एंटिटी ए, मतलब असेट किसकी ओनरशिप की है, एंटिटी ए की। ड्यू टू सम लीगल कंसर्न इन द कंट्री, एंटिटी ए होल्ड सम असेट ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी बी। कुल मिला के ये बोल रहा है ड्यू टू सम लीगल कंस्ट्रेंट्स, मतलब मान लीजिए कंपनी बी को एक असेट चाहिए, पर कंपनी बी असेट खरीद नहीं पा रही, कुछ लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं। कंपनी बी ने बोला कंपनी ए को, अपनी होल्डिंग कंपनी को, मान लो ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी को एक असेट चाहिए, पर वो असेट खरीद नहीं सकता, वो उसके लीगल ओनर हो नहीं सकती कुछ कारण से। मान लीजिए एक लैंड है, अब लैंड का ओनरशिप कंपनी बी नहीं हो सकता, मान लो उसका बिजनेस नेचर ही ऐसा है कि वो नहीं हो सकता ओनर। अब क्या करे, कंपनी बी ने अपने एक होल्डिंग को बोला कि तुम लैंड खरीद लो, पर उसका यूज मैं करूंगा, तुम उसमें कोई इंटरफेयर मत करना, मैं अपने हिसाब से यूज करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं, लीगल ओनरशिप किसकी है, ए की, पर एक्चुअली उसको यूज करने के पावर किसके पास है, बी के पास। इसको हम सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो बी के पास पावर है, पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, बी। इसका मतलब कहने का कि कंट्रोल का जनरली मतलब तो ये होता है कि आपके पास ओनरशिप है, पर कभी कभार लीगल ओनरशिप ना होके भी आपके पास इतने अच्छे खासे राइट्स होते हैं कि आप उसको यूज कर लेते हो, उसको अपन बोलते हैं डीम्ड ओनरशिप। तो ओनरशिप लीगल भी हो सकती है और डीम्ड भी हो सकती है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। यहां पर लीगल ओनरशिप ए की है, पर डीम्ड ओनर कौन है, बी। मेरे लिए होल्डिंग एन असेट एज इट्स लीगल ओनर विल नॉट सेटिस्फाई द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर असेट, हेंस असेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी बी एज ऑल द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू कंपनी बी ओनली। ना सिर्फ बी को फ्यूचर बेनिफिट मिल रहे हैं, बल्कि बी का कंट्रोल भी है। कल को अगर बी असेट, बी बोल दे ए को कि इसको बेच दे, ए को बेचना पड़ेगा, तो ए जस्ट एक लीगल ओनर है। तो असेट की डेफिनेशन को ध्यान में रखा जाए तो ये असेट की डेफिनेशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि लीगल ओनर होना ही सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। आप लीगल ओनर नहीं भी हो, आप अगर डीम्ड ओनर हो तो भी आप असेट, आपके लिए वो असेट हो सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो, मतलब सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, अ फार्मा कंपनी इनकर्स सम एक्सपेंडिचर विच इज एक्सपेंस्ड ऑफ इन ऑर्डर टू डेवलप इट्स न्यू ड्रग। एक्सपेंस्ड ऑफ मतलब पीएनएल में डाल दिए, फार्मा कंपनी ने कुछ खर्चे किए, खर्चों को उसने पीएनएल में डाल दिया, वो खर्चे नया ड्रग बनाने में, जैसे अभी हम COVID-19 के लिए बात कर रहे हैं कि वैक्सीन बनाने में, नया कुछ वैक्सीन, नया कुछ ड्रग बनाने में वो काम आएगा वो खर्चा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल नॉट हैव एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द फार्मा कंपनी बिकॉज रिसर्च फेज इटसेल्फ डज नॉट एस्टेब्लिश एनी रेशनल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ बेनिफिट विच विल फ्लो टू द कंपनी एट दिस स्टेज, हेंस ऑल एक्सपेंडिचर विल नॉट बी एलिजिबल टू रिकॉग्नाइज एन एसेट अनलेस द बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। सीधी बात है, आप इसको ऐसे ले सकते हो कि अभी आप देख रहे हो पूरे वर्ल्ड में COVID-19 की वैक्सीन को डेवलप करने के लिए रिसर्च चल रहा है। मैंने आपने भी पढ़ा होगा, अब तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि अभी रिसेंटली COVID-19 की वैक्सीन के लेकर बहुत लोगों ने YouTube पे देखा होगा कि जब भी कोई वैक्सीन, कोई ड्रग डेवलप होता है तो उसको 3 different stages से गुजरना पड़ता है। स्टेजेस बहुत सारी होती थी पर 3 main tests होते हैं, Phase 1, Phase 2, Phase 3। Phase 1 में कुछ ही लोगों के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग जानवरों के ऊपर। Phase 2 में हम
नंबर ऑफ पब्लिक बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, 1000-1200 के बीच में कर देते हैं, और फेज थ्री में हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही वो उसको क्लिनिकल ट्रायल और ये सब चीज़ों में आगे चल के उसको अप्रूव किया जाता है। अब मान लीजिए इंडिया में 2 से 3 अलग अलग लोग COVID-19 वैक्सीन को डेवलप करने के लिए रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, और अभी वो डेवलपिंग स्टेज पे तो आया नहीं है फिलहाल, अभी वो रिसर्च स्टेज पर ही है। रिसेंटली मालूम पड़ा था कुछ टाइम पहले कि रशिया ने COVID-19 की वैक्सीन सबसे पहले डेवलप कर ली है, ठीक है। तो बेसिकली मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जो COVID-19 की वैक्सीन डेवलप कर रहा है, उसने हैवी एक्सपेंडिचर किए, ठीक है ना, पर क्या वो अभी ये एक्सपेक्ट कर सकती है क्या कि ये वैक्सीन डेफिनेटली सारे रेस्ट्रिक्शंस को पार करके ये वैक्सीन कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी और ये आगे चल के बिकेगी? ये तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक आपके सारे के सारे फेजेस कंप्लीट ना हो जाएं, जब तक आपके सारे के सारे टेस्ट पास ना हो जाओ। जब तक आप टेस्ट पास नहीं कर लेते, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये बच्चों का खेल नहीं है कि भैया असेट की डेफिनेशन में बोल दिया कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड, तो हम अपने हिसाब से हम बच्चों का खेल मानते हुए बोले कि हाँ एक्सपेक्टेड तो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आप प्रोडक्ट को कौन सी स्टेज के थ्रू आगे बढ़ाओगे, डेवलपिंग स्टेज पर कब लेके आओगे वगैरह वगैरह। तो करेंटली वॉट एवर एक्सपेंडिचर्स आर बीइंग मेड टू डेवलप द COVID-19 वैक्सीन, दैट एक्सपेंडिचर आर बीइंग इनकर्ड फॉर रिसर्च पर्पस, एंड टिल द टाइम द थर्ड फेज इज नॉट येट पास्ड, ऑल द एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल फ्लो टू यू बाय सेल ऑफ दैट वैक्सीन। सेल तो बहुत दूर की बात है, अभी पहले क्लिनिकल ट्रायल्स और ये सब प्रोसीजर तो कंप्लीट हो जाए, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। सो आप उसको असेट नहीं मानोगे जो आपने एक्सपेंडिचर किया है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज लाइबिलिटी। अ लाइबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट the settlement of which is expected to result in an outflow from entity of resources embodying economic benefits. Asset mein humne kya padha tha, expected future economic benefits will flow to the entity, hamare paas economic benefits aayenge. Liability ki definition mein kya bol raha hai, outflow of economic benefits, matlab jo economic benefits ka agar outflow hoga, dekho economic benefits agar aayenge to turnover badhega, cash aayega, अर्निंग आएगा, वही इकोनॉमिक बेनिफिट अगर कुछ जाएंगे, कैश जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये उल्टा असेट का उल्टा लायबिलिटी है। लायबिलिटी की डेफिनेशन में दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखने हैं आपको, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आपने अगर सीए इंटर में आईपीसीसी में AS-29 अगर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा उसमें दो टाइप की ऑब्लिगेशन होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एंड पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो उसमें भी बताया गया था कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अगर होगी तो ही हम लायबिलिटी मान सकते हैं, प्रोविजन मान सकते हैं, प्लस आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो लायबिलिटी में दो चीजें होनी चाहिए, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब यहां पर क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब मुझे पता है कि डेफिनेटली आई हैव टू सेटल इट, आई डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, आई हैव टू सेटल इट इन एनी सिनेरियो। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, शायद मैं सेटल करूं, शायद नहीं भी करूं, नहीं भी करना पड़े, आई कांट से, बट हियर आई एम श्योर दैट आई हैव टू बियर the expense या whatever the loss, तो मुझे bear करना ही पड़ेगा, I am sure, that is my present obligation, ठीक है ना, it is your liability। और economic benefits, अब जब मैं bear करूंगा तो मेरे यहां से क्या जाएगा, economic benefits जाएंगे। example पे आते हैं, an entity has got information about the requirement to implement new taxation system based on the proposed changes in legislation in the country। मान लीजिए कंट्री में जीएसटी आया, अब न्यू टैक्सेशन सिस्टम आया, अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए
भाई उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हैज गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिक्वायरमेंट टू इंप्लीमेंट न्यू टैक्सेशन. द अमाउंट दैट इज एक्सपेक्टेड टू आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी इज नॉट बेस्ड ऑन अ पास्ट इवेंट एंड हेंस दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंटिटी को लगा कि यार जीएसटी आने वाला है, मैं बात कर रहा हूँ पुराने, न्यू लॉ आने वाला है बिल्कुल ही, इसके लिए हमें नया सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, हमें एक जीएसटी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, हमें जीएसटी सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना पड़ेगा, हमें एक एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा खर्चा पर मंथ 5 लाख रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा पर मंथ. तो क्या हमारे ये आउटफ्लो तो होगा, तो क्या ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, क्या मुझे इसको लाइब्रेरी बुक करना चाहिए? द आंसर इज नो. क्या ये मेरे पास्ट किसी इवेंट से हुआ है? नहीं. क्या मैंने कोई पास्ट में कोई इवेंट किया था, कुछ कांड किया था? पास्ट इवेंट मतलब मैंने पास्ट में कोई परचेजेस की हो तो मुझे आगे चल के पेमेंट करना पड़े, मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट. अब कंट्री कोई, कंट्री में कोई नया टैक्स रिजीम आ रहा है तो ये कोई पास्ट इवेंट थोड़ी है. बेसिकली ऐसे खर्चे जहां मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ यार ये कोई नया होने वाला है, तो उसके लिए आप आगे चल के देखेंगे जब भी होगा. पहले वो इवेंट होने तो दो, पहले आप किसी बंदे को हायर तो कर लो, उसकी सर्विसेज तो ले लो, तब आप लाइब्रेरी बुक करोगे ना. आपने अभी तक सर्विसेज ली नहीं, आप लाइब्रेरी कैसे बुक करोगे? आपने सॉफ्टवेयर खरीदा नहीं, आप लाइब्रेरी कैसे बुक करोगे? हाँ, सॉफ्टवेयर खरीद लिया, अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो ये आपका पास्ट इवेंट हो गया. ठीक है, तो पास्ट इवेंट का होना जरूरी है. ठीक है बेटा, एन इंपोर्ट हैज बीन डन इन द पास्ट ऑन विच देयर इज अ चेंज इन एडिशनल ड्यूटी एज अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विच इज टू बी पेड इन फ्यूचर. मैंने कुछ 6 महीने पहले एक इंपोर्ट किया था, गुड्स इंपोर्ट किए थे, उस पर मैंने कुछ ड्यूटी पे की थी. मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर दी, इसके कारण मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा फ्यूचर में. सिंस द गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इन द पास्ट पीरियड, नाउ एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑब्लिगेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस पास्ट इवेंट. यस, अब ये पास्ट इवेंट है क्यों? क्योंकि मैंने पास्ट में एडिशनल मैंने गुड्स परचेज किए थे, उस पर ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पुराने रेट से पे की थी, जबकि मुझे न्यू रेट से अब पे करनी पड़ेगी, एडिशनल पे करनी की पड़ेगी. दिस इज माय प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट, एंड दिस विल रिजल्ट इन अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, देयरफॉर लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड. सेटलमेंट ऑफ सच लायबिलिटी कुड बी इन कैश आउटफ्लो और ट्रांसफर ऑफ अदर असेट. हो सकता है मुझे कुछ गुड्स देने पड़े, मुझे कुछ असेट देनी पड़े, ओवरऑल असेट भी दूंगा तो असेट क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट, तो वो आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा. कन्वर्जन ऑफ ऑब्लिगेशन इनटू इक्विटी, हो सकता है मैं ऑब्लिगेशन कन्वर्ट ना कर पाऊं तो मुझे हो सकता है सामने वाले को इक्विटी शेयर देना पड़े, ओवरऑल मुझे आउटफ्लो करना पड़ेगा. दीज आर लाइबिलिटीज वेयर टाइमिंग एंड अमाउंट आर नॉट सर्टेन बट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड देन द अमाउंट आर बीइंग एस्टिमेटेड यूजिंग सम टेक्निक्स एंड शोन एज प्रोविजन. कुल मिला के ये लाइबिलिटी है. अब आप उसको लाइबिलिटी को लाइबिलिटी भी बोल सकते हो अगर अमाउंट सर्टेन है, और लाइबिलिटी नहीं भी बोल सकते हो अगर आप एस्टिमेट कर पाते हो, तो आप उसको सिर्फ प्रोविजन बोल सकते हो क्योंकि प्रोविजन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी. तो पास्ट इवेंट होना जरूरी है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज इक्विटी. इस इक्विटी वाले एलिमेंट को एक्चुअली दो इंडियस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इंडियस का नाम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर टोटल मिला के 3 इंडियस बनाने पड़े अलग अलग. पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियस 109, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट 32 करके, और तीसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर 107 करके. तो है ओवरऑल कंटेंट बट 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. उसमें इक्विटी को डिफाइन किया गया है, और वो जो इक्विटी की डेफिनेशन ली गई है वो भी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से ही ली गई है. मैं आपको इतनी देर से यही समझाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है. कोई भी जब इंडिया से नया डेवलप होगा कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को पहले रेफर किया जाएगा. इक्विटी मतलब क्या, मैं आपको इंडिया 109 में भी समझाऊंगा, 32 में भी समझाऊंगा जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा. करंटली अगर मैं आपको बेसिक्स बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? आपने देखा है कभी जब आपने अगर ध्यान दिया हो, अगर आपने इंटर में कभी बैलेंस शीट बनाई हो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, तो यहां आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसमें हम सबसे पहले दिखाते हैं इक्विटी, और नीचे हम दिखाते हैं, नीचे लाइब्रेरी दिखाते हैं, लाइब्रेरी में करंट और नॉन करंट करके दिखाते हैं. तो एक ही साइड में
इक्विटी अलग और लायबिलिटी अलग हम क्यों दिखाते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। इन अ सिंपल वर्ड, लायबिलिटी में हम कह रहे थे बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, और उस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ आउटफ्लो होगा। बस यही पॉइंट यहां पर इक्विटी में आपको समझनी है। इक्विटी मीन्स नो ऑब्लिगेशन, इक्विटी मीन्स नो ऑब्लिगेशन। आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। जरूरी नहीं कि आपके यहां से कोई आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। इक्विटी मीन्स एनीथिंग वेयर देयर इज नो ऑब्लिगेशन, या इसको और दूसरी भाषा में बोले इक्विटी मीन्स एनीथिंग विच इज रेसिडुअल, बचा कुचा। अब जैसे आपने बचपन से पढ़ा हुआ होगा, एटलीस्ट आपने इंटर से लेकर पढ़ा हुआ होगा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर कंपनी कल को वाइंड अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में मिलता है उनका रीपेमेंट। क्यों? कंपनी को रीपे करना पड़ता है अपनी आउटसाइड लाइबिलिटीज को, लेंडर्स को, क्रेडिटर्स को, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर लेंडर्स में डिबेंचर होल्डर्स भी आ गए, और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्यों? क्योंकि ये कहा गया है कि जो बाहरी लोग हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वो शेयर होल्डर्स हैं। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस में 5 करोड़ रुपए अपने लगाए और आपने मुझसे लिए 3 करोड़ रुपए, जय सर से लिए 3 करोड़ रुपए। आपने बोला जय सर मुझे 3 करोड़ रुपए लोन दीजिए, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको मस्त, आप मुझसे इंटरेस्ट लेते रहना, मेरा बिजनेस अच्छा खासा चलेगा। आगे चल के किसी वजह से आपका बिजनेस नहीं चला, आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस को बंद करोगे तो आप रीपेमेंट पहले किसको करोगे, अपने आप को कि जय सर को? सर अपने आप को। इन अ प्रॉपर सेंस अगर बात करें तो आप रीपेमेंट करोगे अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज को पहले, मतलब जय सर को। आप बोलोगे यार पहले जय सर को लायबिलिटी में निपटाऊं, मुझे अगर थोड़ा कम भी बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कम भी बचेगा क्योंकि मैं ओनर हूं, मुझे तो नुकसान बियर करना है। इन द सेम सेंस इक्विटी मीन्स द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड हैंस जो ओनर होता है, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, बिजनेसमैन मतलब ओनर और बिजनेस मतलब बिजनेस, तो बिजनेस के लिए इक्विटी मतलब वो जो मुझे ओनर को देना है, और जो भी मुझे ओनर को देना है वो मेरी लायबिलिटी थोड़ी हो सकती है, वो मेरी ऑब्लिगेशन थोड़ी हो सकती है, वो तो अंत में मेरे पास जो भी बचा वो ओनर का ही है भाई। ज्यादा बचा वो भी ओनर का है, कम बचा वो भी ओनर का है, पर ओनर के लिए बिजनेस बोलेगा मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तूने मुझे पैसा दिया था, बिजनेस बोल रहा है ओनर को, तूने मुझे पैसा दिया था बिजनेस चलाने के लिए, पैसा डबल भी करके दे सकता हूं, आधा भी करके दे सकता हूं, रिस्क पूरा का पूरा तेरा है। सो इक्विटी मींस द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ द एंटिटी, मतलब जब भी एंटिटी को बंद किया जाएगा इक्विटी को सबसे लास्ट में पे किया जाएगा, क्योंकि इक्विटी जो होता है वो बिजनेस के लिए कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होता। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक समझाया है, हाई लेवल का चीज मैं आपको समझाऊंगा इक्विटी के बारे में, लायबिलिटी के बारे में, जब मैं आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इंडियस 37 पढ़ाऊंगा, अलग अलग इंडियस है, ठीक है, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंस। अब इनकम और एक्सपेंस को अगर आप पढ़ेंगे, तो अगर आप इनकम को पढ़ेंगे तो उसका जस्ट उल्टा एक्सपेंस है, अगर आप इनकम को पढ़ेंगे तो उसका जस्ट उल्टा एक्सपेंस है। क्या है इनकम के बारे में? इनकम इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट, ऑब्वियसली। देखो असेट मतलब क्या था, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, मतलब फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट आएगा, टर्नओवर बढ़ेगा। इनकम मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ रहे हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, या तो कुछ इनफ्लो आ रहा है मतलब कैश सेल बढ़ रहा है, इनहेंसमेंट ऑफ असेट, कैश का इनफ्लो नहीं भी आ रहा है तो भी मुझे इनकम हो रहा है, क्रेडिट सेल किया तो डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा तो इनहेंसमेंट ऑफ असेट, या फिर मैंने किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, शेयर की वैल्यू बढ़ गई, इनहेंसमेंट ऑफ असेट, या फिर डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी, किसी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दिया तो भी मुझे फायदा हुआ। तो बेसिकली आपके इकोनॉमिक बेनिफिट कब कब बढ़ेंगे, जब आपको कुछ इनफ्लो होगा, या फिर इनफ्लो नहीं भी होगा पर आपका एसेट का इनहेंसमेंट होगा, असेट इंक्रीज होगी या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और इन तीनों कारणों से
इन तीनों कारणों से आपका अल्टीमेटली इक्विटी इंपैक्ट करेगा। मत इक्विटी मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कैपिटल। अल्टीमेटली इन सबसे आपका कैपिटल भी बढ़ जाएगा, दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द इक्विटी। अब आपका ऐसे कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बेसिकली इनकम मतलब क्या, अभी मैंने कंप्लीट डेफिनेशन नहीं पढ़ा है। इनकम मतलब क्या, इनकम मतलब आपके इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन असेट और इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ये तीनों कारणों से अगर आपका कैपिटल बढ़ता है तो उसको इनकम बोलते हैं। नाउ स्टॉप, कैपिटल बढ़ता है, अब आपके माइंड में आएगा सर कैपिटल तो एडिशनल कैपिटल लगाने से भी बढ़ता है, तो क्या वो इनकम हो गया? तभी बोल रहा है आगे, अदर देन दोज रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट्स। बट कैपिटल तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन से भी बढ़ता है, जब आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो, पब्लिक इशू करते हो, तो भी आपका कैपिटल बढ़ता है। उसको छोड़कर मतलब जब भी आपका इक्विटी बढ़ेगा कैपिटल बढ़ेगा, एक्सेप्ट जब आपका एडिशनल कैपिटल लगा रहे हो उसको छोड़कर, इक्विटी पार्टिसिपेंट्स ने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको छोड़कर, बाकी अगर आपका कैपिटल बढ़ रहा है इन तीनों चीज़ों से तो वो आपकी डेफिनेटली इनकम है। कब? जब आपके इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो बिकॉज ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, इनहेंसमेंट ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंस, बिल्कुल इसका उल्टा। डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड इन द फॉर्म ऑफ आउटफ्लोज ऑफ कैश, डिप्लीशन ऑफ असेट्स और इंक्रेंस ऑफ लाइबिलिटीज। आउटफ्लो ऑफ कैश, असेट रिड्यूस होना, असेट को कम होना, या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सॉरी इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ जाना। परचेज करते हो क्रेडिट पे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, लाइबिलिटी बढ़ गई, दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इक्विटी। अब जब हम ये पढ़ते हैं ना डिप्लीशन ऑफ असेट, तो हम बोलते हैं सर हमें डेटर से पैसा मिला तो सर ये भी तो असेट कम हुई, तो मैं बोलूंगा ये असेट कम भी हुई और असेट बढ़ भी गई, तो निल इफेक्ट, क्योंकि डेटर से पैसा मिला तो डेटर कम हुए पर कैश आया, तो इससे असेट कम भी नहीं हुई, असेट बढ़ी भी नहीं। सो आपको ये देखना है कि एक इंपैक्ट आपका असेट का गिर रहा है और उसका दूसरा इफेक्ट आपके कैपिटल पर पड़ रहा है। आपको हर एंट्री को दो हिस्सों, मतलब हर ट्रांजेक्शन को दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, एक इंपैक्ट और दूसरा इंपैक्ट। एक इंपैक्ट आपका लायबिलिटी बढ़ रही है, दूसरा इंपैक्ट आपका कैपिटल घट रहा है। एक इंपैक्ट आपका असेट गिर रही है, दूसरा इंपैक्ट आपका कैपिटल गिर रहा है, ऐसे करके। अदर देन दोज रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू द इक्विटी पार्टिसिपेंट। पर अगर मान लो मैं बायबैक कर रहा हूं, डिविडेंड पे कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, रीपेमेंट कर रहा हूं इक्विटी का, तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं होता है। ठीक है ना, आई होप आपको एक्सपेंस और इक्विटी भी समझ में, इनकम और एक्सपेंस भी समझ में आया हो। सो गाइस, दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक इंडेस है इनकम के ऊपर, इंडेस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। आपके AS में AS 9 हुआ करता था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसका बाप है, बाप भी नहीं, दादाजी है उसका, इतना बड़ा स्टैंडर्ड और बहुत ही अलग टाइप का 115 रेवेन्यू के ऊपर सिर्फ वही स्टैंडर्ड है खाली। जैसे असेट्स के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, लाइब्रेरीज के ऊपर डिफरेंट है, रेवेन्यू के ऊपर एक सिंगल मोस्ट स्टैंडर्ड है विच इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर एक्सक्लूडिंग लीज रेवेन्यू। लीज का रेवेन्यू होता है 116 में। उस स्टैंडर्ड में रेवेन्यू के डेफिनेशन या जो भी चीजें हैं वो कब, जब वो बनाई गई होंगी, बहुत ही हाई लेवल डेफिनेशन है, वो बनाई जब गई होगी तो डेफिनेटली कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की इनकम की डेफिनेशन को ध्यान में रखा गया होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, सो गाइस, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। द नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने पढ़ा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब असेट्स को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, लाइबिलिटी को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, इक्विटी को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं, इनकम एक्सपेंस को कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। ओवरऑल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ने 5 डिफरेंट मेजरमेंट मेजर करने के, अमाउंट फाइंड आउट करने के तरीके बताएं कि किसी भी एलिमेंट को मेजर करने के लिए 5 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट।
हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वॉट एवर एक्सपेंस यू हैव इनकर्ड, वॉट एवर कॉस्ट जो आपने अपनी जेब से लगाया, जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया, दैट इज योर हिस्टोरिकल कॉस्ट. करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं. कि अगर आज मेरे पास एक पर्टिकुलर असेट है, उसको अगर मैं आज जाके रिप्लेस कर दूं और न्यू लेके आऊं, तो कितने में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, मेरा कितना कॉस्ट करना पड़ेगा. सेटलमेंट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू को रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं. कि अगर आज मुझे इसको, अगर आज मेरी कंपनी बंद हो जाती है और अगर मुझे इसको बेचना पड़ सकता है, तो मुझे कितना मिलेगा. प्रेजेंट वैल्यू मतलब वो डिस्काउंटिंग, आपने ऑब्वियसली डिस्काउंटिंग के बारे में सीए इंटर में, एफएम में पढ़ा है, अकाउंट्स में, हायर परचेज में हम डिस्काउंटिंग सीखते थे, एडवांस अकाउंट्स में भी हमने लीजेस में डिस्काउंटिंग सीखी थी. तो डिस्काउंटिंग आपको पता होगा. प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही अलग है, फेयर वैल्यू की हम बात करेंगे इन डी एस 113 में. इन शॉर्ट फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू. अगर आज एक नॉलेजेबल बायर और नॉलेजेबल सेलर आपस में किसी पर्टिकुलर आइटम को लेकर डील करते हैं, तो कितने फेयर प्राइस पर डील करेंगे, उस वैल्यू को बोलते हैं फेयर वैल्यू. ठीक है. हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू, हाँ, जिस पे आपका ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुआ है. दैट हैज बीन गिवन और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग सच एलिमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद ऑल द एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड और एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज कैपिटलाइज कंसीडरिंग ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन. करंट कॉस्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट इट्स रीसेंट पेड रिसीव्ड प्राइस. मैंने आज असेट को, सॉरी, मेरे पास एक असेट है जिसको मैंने 5 साल पहले खरीदा था 400 रुपए में, तो 400 रुपए हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट. आज अगर यही असेट मैं आज खरीदता हूं नई विथ न्यू टेक्नोलॉजी, तो आज ये असेट आएगी 500 रुपए में, तो 500 रुपए इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट. रीसेंट पेड और रिसीव्ड प्राइस. लायबिलिटी विच इज टू बी पेड इन शॉर्ट पीरियड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट करंट कॉस्ट रादर देन डिस्काउंटेड वैल्यू. शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं वहां पर. वो बोल रहा है कि हमें करंट लायबिलिटीज को प्रेजेंट वैल्यू नहीं करना चाहिए, टाइम वैल्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वो उसको रिसेंट में ही हमें पे करना होता है. तो हम कितना पे करना पड़ सकता है, वो अभी का प्राइस हमें बुक करना होता है. सेटलमेंट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज एट द वैल्यू विच इज टू बी रिसीव्ड पेड बाय सेलिंग और फॉर इमीडिएट सेटलमेंट. अगर आज ही के दिन बंद कर दूं अपना बिजनेस और सेटलमेंट करना पड़े, तो कितना पैसा मिलेगा. अगर आज ही मैं बेच दूं तो कितना पैसा मिलेगा. कभी कभार सेटलमेंट वैल्यू और फेयर वैल्यू एक भी हो सकती है, पर डिफरेंट सेंस में डिफरेंट भी हो सकती है. जैसे मान लीजिए मैं COVID-19 में, आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आपने देखा होगा, आपने रियल लाइफ में देखा, आपने रियली अपने आसपास भी देखा होगा, COVID-19 में कितने सारे बिजनेसेस बंद हुए. एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ. वो, उसने COVID-19 से पहले, इवन पिछले 3 साल से वो अपना बिजनेस कर रहा था. उसका एक रेस्टोरेंट था, और उसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता था. उसने अपने रेस्टोरेंट के 3 डिफरेंट भोपाल में ही 3 अलग अलग जगह पे उसने अपने रेस्टोरेंट की ब्रांचेस ओपन की हुई थी. मतलब वो इतना बिजी था कि उसके पास टाइम नहीं होता था हमारे साथ बैठने का. और उसके जो शेफ थे, वो शेफ भी उसने नॉर्थ ईस्ट से बुलवाए थे, अच्छे शेफ थे. तो उसने भोपाल में अपने नॉर्थ ईस्ट के जो शेफ थे, उसने अब उनको रहने के लिए जगह भी दी हुई थी, और वो उनका खर्चा उठाता था. वो उनको सैलरी के अलावा वो उनको खाना पीने का भी खर्चा उठाता था, और वो उनको रहने की जगह भी उसने दी हुई थी. एक ब्रांच तो उसने किसी पर्टिकुलर मॉल में ओपन की थी, बहुत ही चलती थी. अब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ,
तो बेचारे को हैवी लॉसेस हो गए। किस सेंस में? एक तो जो उसने स्टॉकिंग करके रखी थी, स्टॉक भर के रखा था, खाने पीने का सामान जो रॉ मटेरियल होता है वो सब वेस्ट हो गया। अब लॉकडाउन में उसके जो शेफ वगैरह भी जितने भी थे, उसके पास जो वर्कर्स थे वो कहीं जा नहीं सकते, वो भोपाल में ही थे, तो उसको उनको अपने वर्कर्स को भी फीड करना है, सैलरी प्रॉपर दे रहा था वो कुछ टाइम तक, उनका रहने का खर्चा भी झेल रहा था वो, पर अर्निंग के नाम पर उसको कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही थी। फिर ग्रेजुअली उसने टाइम, उसने सोचा कि ठीक है ये टाइम पास हो जाएगा, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना। फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स ही गॉट डिस्टर्ब्ड। उसने अपनी तीनों ब्रांचेस बंद कर दी और उनके उन्होंने जैसे ही अनलॉक हुआ उसने अपने शेफ्स वर्कर को बोल दिया भैया आप जाओ, मैं नहीं कर सकता हूँ। हाथ जोड़ के उसने अपने शेफ्स को वगैरह को बेचारों को बोला जाओ आप कहीं और नौकरी कर लो। उसके पास जितने भी असेट्स थे, किचन इक्विपमेंट्स की असेट्स की बात कर रहा हूँ, जो महंगे महंगे किचन इक्विपमेंट्स थे वगैरह, खाने पीने का सामान तो नुकसान हो गया, उसने किचन इक्विपमेंट्स को बेच दिया किसी और रेस्टोरेंट को सस्ते दाम में, क्योंकि उसको तो अपना बिजनेस बंद करना था, उसको हैवी लॉसेस हो चुके थे, अब उसको अपना लॉस किसी भी तरीके से बियर करना था और उसको रिकवरी करनी थी। ऐसे केस में उसने अपना जब बिजनेस बंद किया तो उसने सस्ते दाम में अपनी असेट्स को सेल कर दिया। ऐसे केस में जो उसको पेमेंट रियलाइज हुआ होगा उसको मैं फेयर वैल्यू नहीं बोल सकता, उसको मैं बोलूंगा सेटलमेंट वैल्यू, क्योंकि वो जो वैल्यू उसको मिला वो उसको बेचारे को वैल्यू कम मिला। अगर वो इस सिचुएशन में ना बेचता तो उसको अच्छा खासा प्राइस मिल सकता था, फेयर प्राइस मिल सकता था, पर उसको जब जरूरत थी पैसों की तो उसने जल्दबाजी में बेच दिया ताकि उसको मिल जाए, रियलाइज हो जाए, दैट इज सेटलमेंट वैल्यू। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी कभार अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज अलग अलग होती हैं। समझ आया कि नहीं? प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मींस द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लो। फ्यूचर में जो मुझे कैश का इनफ्लो मिलने वाला है या कैश का में जो इन आउटफ्लो होने वाला है उसका आज कितने पे मूव बुक करना चाहिए कंसीडरिंग द इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंटिंग रेट। आइटम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट और सेटल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, द कैलकुलेटेड वैल्यू विल रिप्रेजेंट इट्स करंट वैल्यू। इसमें हम क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग करते हैं। द लास्ट इज फेयर वैल्यू मीन्स द अमाउंट एट विच असेट लायबिलिटी कुड बी एक्सचेंज्ड और सेटल्ड बिटवीन नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन मतलब प्राइस ऐसा होना चाहिए ना मेरा तेरे पे कोई अफेक्ट कर पा रहा हूं ना तू मेरे पे अफेक्ट कर पा रहा है, कंट्रोल एक दूसरे पे नहीं कर पा रहे हैं, इंडिविजुअली हम एक फेयर प्राइस पे डील कर रहे हैं। किस प्राइस पर असेट बिकना चाहिए, लायबिलिटी बिकना चाहिए, दैट इज फेयर वैल्यू। सर ये क्या पढ़ाया आपने? ये मैंने आपको पढ़ाया मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमने ऊपर पढ़े थे असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, इन सब का मेजरमेंट किस किस तरीके से होता है। अब जितने भी आप आगे चल के इंड एएस पढ़ेंगे, कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो किया गया, कहीं फेयर वैल्यू फॉलो किया गया, जनरली हर जगह फेयर वैल्यू फॉलो किया गया, कहीं कहीं प्रेजेंट वैल्यू फॉलो किया गया है, आपको सेटलमेंट वैल्यू और करंट कॉस्ट मतलब रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब ये दो जो येलो किए मैंने, ये आपको बहुत ही कम जगह दिखेंगे। अच्छा ये भी बता दूं कि मैं आपको सेटलमेंट वैल्यू कहां दिखेगा। सेटलमेंट वैल्यू पे हम अपनी असेट लायबिलिटीज को तभी बुक करते हैं जब हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करते। अगर मुझे पता है कि मेरा बिजनेस अब गोइंग कंसर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ COVID-19, मान लीजिए COVID-19 पे तो अब इतने एग्जाम्पल्स बनेंगे बॉस तुम बिलीव ही नहीं कर सकते हो, आए दिन हर लेक्चर में COVID-19 की बातें हो सकती हैं या मैक्सिमम लेक्चर्स में, क्योंकि COVID-19 के ऊपर अब इंस्टीट्यूट ने कुछ FAQs भी डेवलप कर लिए, मुझे वो भी आपके साथ डिस्कस करने, तो COVID-19 पे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनेंगे। तो जहां पर मुझे पता है कि अब मेरा बिजनेस फोरसेबल फ्यूचर तक नहीं चल पाएगा, अब मैं अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो नहीं ले सकता, मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
अब जब मैं प्रिपेयर करूंगा तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करूंगा सेटलमेंट वैल्यू पे, क्योंकि मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं ले रहा। इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है इसी चैप्टर का जो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर वन। आज की क्लास में टाइम नहीं मिलेगा करने का, तो आज की क्लास में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा फ्रेमवर्क एंड इट्स पर्पस। फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस में हमने पढ़ा कि भाई वो असिस्ट करता है डेवलपर्स को नए इंडेक्स और एग्जिस्टिंग इंडेक्स को रिव्यू करने के लिए, बनाने के लिए असिस्ट करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मतलब एंटिटीज को, प्रिपेयर्स को, ताकि वो इंडेक्स को अच्छे से अप्लाई कर सकें या फिर वो उन मैटर्स को डील कर सकें जो मैटर्स अभी तक किसी इंडेक्स में नहीं है। असिस्ट करता है यूजर्स को ताकि वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट्स में है वो इंटरप्रेट कर सकें। असिस्ट करता है ऑडिटर्स को ओपिनियन फॉर्म करने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो कंप्लाई किए गए कि नहीं। असिस्ट करता है बाकी उन सभी को जिनको इंड एस में इंटरेस्ट है, जो इंड एस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। आई बात समझ में? ऐसे केस में फिर हमने पढ़ा इज द फ्रेमवर्क इक्वल टू स्टैंडर्ड। नहीं, फ्रेमवर्क अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, आपको हमेशा स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना है। पर अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में फॉलो कवर नहीं होती तो आप फ्रेमवर्क को रेफर कर सकते हो। यूजर्स कौन कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कौन कौन से अजम्पशन लिए रहते हैं, हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न और अक्रूअल। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हमने पढ़ा, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस और कंपेरेबिलिटी। ठीक है ना, रिलेवेंस मतलब मटेरियलिटी, रिलायबिलिटी में हमने पढ़ा भाई कंप्लीटनेस होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है ना, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। प्रूडेंस होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स हमने पढ़े, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस, इक्विटी। और हमने मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा कि पांच मेजरमेंट तरीके होते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, सेटलमेंट वैल्यू, सेटलमेंट वैल्यू मतलब रियलाइजेबल वैल्यू, करंट कॉस्ट मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर आज मैं देखूँ कि आज उसकी प्राइस क्या है, और तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा हमने प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटिंग वैल्यू, उसके बाद हमने पांचवा पढ़ा फेयर वैल्यू। अब हमारा क्या बच गया, एक बच गया फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वर्सेस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये पॉइंट मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। एक बच गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर वन, वो मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। और एक बच गया व्हाट आर कार्व आउट्स एंड कार्विंस इन इंडेस, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। तो सर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी हमारे पास 5 मिनट हैं तो हम क्लास को ओवर नहीं करेंगे। इंस्टेड मैं आपके साथ बात करूंगा। मैं आपके साथ बात करूंगा इंड एस नेम्स एंड नंबर्स। मैंने आज आपको बोला था कि इंड एस आपको याद कैसे होंगे, याद मतलब नंबरिंग, इंड एस वन कौन सा है, इंड एस टू कौन सा है, थ्री हैवी की नहीं है, फोर हैवी की नहीं है ना, ये नंबरिंग और नेम कैसे याद होंगे। इसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका है, हम रोज डेली बेसिस पर, ये मैं अपनी हर क्लास में करवाता हूँ, और अगर आप मेरे सी ए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने पिछली रिसेंट को सी ए इंटर क्लासेस ही की होंगी तो आपको पता होगा मैंने अपनी इंटर की क्लास में भी ए एस इसी तरीके से याद करवाता था। तो सीरियल नंबर, इंड एस नंबर, इंड एस नेम, करेस्पॉन्डिंग ए एस, और अगर उसका कोई करेस्पॉन्डिंग ए एस है क्या, वैसा ही कोई ए एस है क्या। आपको क्या करना है, आपको ये सेम फॉर्मेट बनाना है। रुक जाओ, अभी मत बनाओ, पहले मेरी बात सुन लो।
आपको ये सेम फॉर्मेट बनाना है जो रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हो। कहां पर? रजिस्टर के सबसे लास्ट के दो पेजेस छोड़ दीजिए, या ऐसी कोई जगह रजिस्टर की, या अगर आपके पास मेरी बुक आ चुकी है तो बुक में ऐसी कोई जगह जहां पर आप प्रॉपरली पूरी एक लिस्ट बना सको मेरे साथ। हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पर तीन स्टैंडर्ड के नाम नंबर सहित रटेंगे, नाम याद करेंगे कि इसका नंबर ये है, इसका नाम ये है, इसका नंबर ये है, इसका नाम ये है, इसका नंबर ये है, इसका नाम ये है। अगली क्लास में मैं आके आपके साथ नाम और नंबर पिछले वाले डिस्कस करूंगा जितने भी हो चुके, फिर मैं आगे आपके साथ और बढ़ाऊंगा। ऐसे जब डेली बेसिस पर आपके माइंड में बार 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 रिपीट होगा ना, तो आपको अपने आप याद होगा। कोई चीज़ एक छोटे बच्चे को याद कब होती है? जब उसके साथ में वो बार 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 रिपीट की जाए। सबसे बेस्ट तरीका है ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा तरीका करवा दूं कि आपको एक दिन में याद हो जाए, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत स्लोली स्लोली होता जाएगा। तो आप कोई ऐसी जगह चूज करिए अपने रजिस्टर की, स्टार्टिंग के दो पन्ने तीन पन्ने, स्टार्टिंग के दो तीन पेजेस, या लास्ट के दो तीन पेजेस, या फिर बुक में ऐसी जगह जहां पर आपको मिल जाए। ठीक है, दो तीन पेजेस बोला मैंने इसके लिए। चलिए अब आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के जो हमें तीन इंडेक्स लिखने हैं, दैट इज स्टार्टिंग से लिखेंगे हम इंडेक्स वन। बेटा इंडेक्स वन का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बहुत ही जल्दी इस इंडेक्स को पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या इसका कोई करेस्पॉन्डिंग एएस है? हाँ, एक तो एएस वन और एएस फाइव, थोड़ा बहुत। एएस वन क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, याद रखना। और एएस फाइव क्या था? नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह, है ना, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इंड एस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंड एस टू इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज इसका करेस्पॉन्डिंग एएस एएस टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, इंडेक्स थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है, इंडेक्स सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस थ्री याद है? मैं करेस्पॉन्डिंग ए एस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सकें, बाकी ऐसा नहीं कि ए एस और इंडेस सेम है इसलिए लिख रहा हूं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी होंगे। तो आज के तीन इंडेस के हमने नाम पढ़े, कौन कौन से? इंडेस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेस टू, इंडेस टू इन्वेंट्रीज, 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 इंडेस थ्री स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, या इसको सिंपल में आपको बोल सकते हो सी एफ एस कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंडेस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेस टू इन्वेंट्रीज, इंडेस थ्री स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट मेरा ये बढ़ता जाएगा बहुत सारा बढ़ता जाएगा आगे चल के। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है, हम हर क्लास में रखेंगे, मेरे को भी ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम बचा हुआ पोर्शन जो फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है उसका कवर अप करेंगे। ठीक है ना, एक बात याद दिला दूं फिर से, मैंने आपको बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं, प्लीज गाइस, आपको शुरू के चार से पांच दिन में थोड़ा सा फील आ सकता है कि ये एफआर थ्योरी सब्जेक्ट तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सिर्फ आपका बेस क्रिएट करने के लिए मुझे पहले कुछ चीज़ें बनानी पड़ रही हैं, आपको बतानी पड़ रही है, मैं आपका खुद का फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो सो गाइस
अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको अगर कुछ आगे का रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर से पहले, नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट रूल, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले जब भी आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है तो आप वो पहले कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। होमवर्क नहीं दिया जा रहा है तो आप एटलीस्ट एक प्रॉपर अच्छे से रिविजन करेंगे, क्या क्या आपने खुद से पढ़ा। रिविजन करने के लिए जरूरी नहीं कि बार बार वीडियो देखना पड़े, एक ओवरऑल बस एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर आप देखेंगे। ये चीज़ आप अपने आप से वादा करो, मैंने आपको बोला भी था कि आप अपने आप को थोड़ा सा पनिशमेंट्स दोगे तो अपने लिए आप अच्छा करोगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शबा केयर।